ए पुठे, ए कल से तू भूलोक में तपस्या नहीं करेगा, यमलोक में करेगा। कहाँ है बे तू? तूने मेरी जिंदगी से खिलवाड़ किया है। ए तू तो गया, मेरे हाथों से मरेगा तू। ए मुझे चीट करेगा क्या? सब मर्द ऐसे ही होते हैं, चीटर्स। इसका नाम सिद्धू है और ये है हासिनी। बचपन में हुए एक हादसे की वजह से ये लड़कियों से नफरत करता है और इसे लड़कों से नफरत है। अब इन दोनों के बीच में भी एक कहानी है, जिसे जानने के लिए इनके ई कहानी को अ आ से शुरू करते हैं। क्या हो रही है? तो आ गए। हम लोग यही सोच रहे थे कि तुम अब तक आए नहीं। इसने क्या बोला हमको पता है? क्या बोला? इसने हमको भूत बुलाया। क्या पता? तुम्हें भूत बुलाया तो भूतों को बुरा मानना चाहिए। तुम क्यों बुरा मान रही हो? ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? तुम्हें लड़कियों को रुलाने में इस तरह मजा आता है क्या? लड़कियाँ कहाँ पर है, दिख नहीं रही? तुम्हारा ये अवतार देख कर कोई तुम्हें लड़कियां कहेगा क्या? ये लेटेस्ट फैशन है, तुम्हें पता है? फैशन के बारे में हमें ट्यूशन देने की जरूरत नहीं है। राशन कार्ड की वाहियात फोटो की तरह तुम्हारे फेस का फैशन से कोई संबंध नहीं है। क्यों सही कहा भैया? क्या बोला तुमने? क्या 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 तुझे इस कॉलोनी में होना चाहिए था। इस कॉलोनी में होना चाहिए। वेट, आज शो देम। अरे वो तो रिवर्स है। रिवर्स मार रहा है। रुक जा, इसको बताता हूँ। तुझे लगता है क्या हम रिवर्स से डर जाएंगे? आप पीछे हैं तू? अरे तू है कौन? इसे रोड समझ के रखा है या रनवे? कैसे भगाता है गाड़ी? ये तो लेडीज है भाई। हाँ लेडीज है, मेरी तो बचपन से ही इनसे दुश्मनी है। ए, गाड़ी से नीचे उतर। What nonsense is this? ए, nonsense तूने किया और nonsense हमें बोल रही है। अपने यहाँ के सिर पे रख के चला रही थी। तुझे ड्राइविंग का साइंस है भी कि नहीं? है क्या? Yes, sir. I have 7 years of driving experience, okay? हाँ, समझ में आ रहा है। कितने लोगों को ठोकने के बाद ऐसा एक्सपीरियंस आया होगा। इज्जत से हम सबको सॉरी बोल। हाँ, बोल सॉरी। तुम्हें सॉरी कहूँ? नो, नेवर।
भाई ये हमसे पल्ला ले रहे हैं, इसकी हिम्मत तो देखो। रुक जाओ, सॉरी नहीं बोलेगी। हाउ डेयर यू, यू इडियट। नो, थ्री इडियट्स। चल निकल, चल, सबक सिखा दिया उसको। नहीं बोलेगी। अरे क्या हुआ, तुम ही से कह रहा हूँ। हाँ सुना, आ रही हूँ। दादी डोसा एक नंबर बनाया है। कितना ठूसेगा, आप आसन कर ले। दादी रोज शाम को मैं और मेरे दोस्त बहुत सारे आसन करते हैं, पता है क्या? कहाँ पर? जनता बार में, वहाँ हम सारे आसन करते हैं दादी। अच्छा? वज्रासन, शवासन, मदिरासन। मुझे पता ही था शाम होते ही तुम्हारे जनरेशन के सारे लड़के बार में बियर पियेंगे, सेलफोन और कंप्यूटर में घुसे रहेंगे। तुम 25 के नहीं होते हो, लेकिन तुम्हारी कमर जो है बिना काम के कमरा बन जाती है। ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी लेकर आओ। हो गया जी। बप्पा, साई बाबा, हे बजरंगबली, मैं आपका भक्त हूँ। हम सब बैचलर्स ही है ना, कोई भी लड़की मुझे आकर्षित न कर पाए, इसका आपको ध्यान रखना है। ए? भगवान में भी औरत मर्द का भेदभाव रखता है, पागल हो गया। चल आजा खाना खा ले, बेवकूफ कहीं का। माँ, ओलंपिक्स में अगर डोसे की प्रतियोगिता रखी जाए तो तुम्हें गोल्ड मेडल तो पक्का मिलेगा। जब तुम्हारे हाथ का डोसा खाता हूँ ना, तो ऐसा लगता है सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। ये स्कूटर भी मेरी बात नहीं मानती, एक तो अंदर वो सिद्धू और बाहर तू, दोनों मुझे परेशान करते हैं। जय माहेश्वरी, जय शिवगामी, अब भी शुरू नहीं हुई। जय कटप्पा, इसकी तो हट। जय कटप्पा, चल जा। जब तक तेरा पांव इस पे ना पड़े ये शुरू ही नहीं होती। तो सुबह सुबह क्यों गंदगी फैला रहा है पनौती कहीं का? क्या रे सिद्धू, वो खटारा गाड़ी से रोज जूझता रहता है। अरे मेरी तरह से एक छोटी सी कार खरीद ले। ओ, तुझे तो ड्राइविंग आती नहीं। जैसे आपको बड़ी ड्राइविंग आती है, सुबह सुबह भैंस की तरह रोज धोते रहते हो आगे पीछे बस। हाँ सही कहा, महीने में एक बार चल जाए काफी है। वो कार के बारे में बात कर रहे हैं, वो, 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 उसके बारे में मैं नहीं। भी कार के बारे में ही बात कर रही हूँ, ड्राइविंग तो आती नहीं पर लाइसेंस चाहिए। अंदर चल, तुझे बताता हूँ कि मुझे चलाना आता है कि नहीं। चलो ना। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे एनके जी की बेटी बचपन में ही यूएस जाके वहीं पे हायर स्टडीज पूरी करके हाल ही में इंडिया वापस आई है। हमारे एनके जी की हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए कंपनी के नई सीईओ के तौर पर हासिनी जी को उन्होंने अपॉइंट किया है। वो देखिए, वो हमारे बीच आ गई है। अबे यही हमारी सीईओ है। वेलकम मैम। माय प्लेजर। Thanks everyone. I need your support to make Symbiosis Technologies as a number one in South India. I wish you all the best and good luck. You and you, just get out. Lekin madam. Rao ji. Yes ma'am. Inke account settle kar dijiye. Okay madam. Arre baap re. अबे आतिश ने उन दोनों को निकाल दिया, next हमारा number है लगता है यार। अब तो band बजेगी। So team, no more wasting time. Let's get back to work right now. Okay? चुपके से कर लेते। सिद्धू कहाँ जा रहे यार? आओ सुनिए, ये सिद्धू है, आपके पिताजी का सबसे पसंदीदा एम्प्लॉय। रिवेंज लेने का टाइम इतना जल्दी आ जाएगा मैंने सोचा नहीं था, अभी बताती हूँ। राव जी। जी मैम। ब्रिंग देम टू माय चेंबर। हमें जॉब से निकालने के बजाय पर्सनल चैम्बर में क्यों बुलाया यार, कहीं स्पेशल पनिशमेंट तो नहीं देने वाली है हमको? अबे डर मत दे बेवकूफ। एक बात कहनी थी राव जी। हाँ बोलिए। मैंने ऑफिस में आते ही एक चीज नोटिस की है। क्या? हमारे इस ऑफिस में एक भी एम्प्लॉय को ड्रेस सेंस नहीं है, मैनर्स नहीं है। आई वांट यूनिफॉर्म फॉर एवरीवन। यूनिफॉर्म? ओके मैडम। कल से कोई भी अगर यूनिफॉर्म में नहीं आया या ऑन टाइम नहीं आया, यू गाइस विल बी आउट। नाउ गेट आउट। I said get out. Hey, hey, चलना आगे चल। बड़े बड़े निवाले खिला रहा हूं तुझे। आप अपने आप को समझते क्या है? आपको लगता है कि मैं मर गया हूं? उसे सीईओ बना करके मेरी पूरी इज्जत उतार दी आपने। कैसी बातें कर रहा है तू, उसे नहीं जानता, वो बहुत पढ़ी लिखी है। हाँ सुन लिया मैंने, आप कहते जा रहे हैं और मैं सुनता जा रहा हूँ। पढ़ाई करने के लिए आपने उसे फॉरेन भेज दिया, अब वो मेरे ऊपर ही ऑर्डर चला रही है। देख लो आ गई महारानी। ओ माय क्यूटी। देखिए उस पप्पी से भी कम वैल्यू है मेरी इस घर में। हम क्या कहेंगे इस बारे में?
आए, अंदर जाओ, जाओ अंदर, जाओ। दादी, मैं दादाजी के पास ही रहूंगी। उनके साथ रहेगी, तू भी उसी की तरह बन जाएगी। चल, दादी, दादाजी। दादा, दादा, दादा। क्यों भाई, जो साथी बोल रहा था सही है क्या? तूने अपने बॉस के साथ झगड़ा किया? नहीं यार, हमारे झगड़ा करने के बाद वो बॉस बन गई। कुछ भी कहो यार, प्लग में उंगली डाल के चालू करो या चालू करके उंगली डालो, बात तो एक ही है, शौक तो लग नहीं है ना? अबे शौक तो लगेगा, लेकिन हमें नहीं, उसको लगेगा। सबको शराब पीने के बाद चढ़ती है, और इसे देखो जूस पीने के बाद ही चढ़ गई। अरे वो हमारी बॉस है यार। बॉस होगी तेरी, इतनी सी जिंदगी है उसमें भी एक लड़की को बॉस कह के पुकारूं क्या? उससे अच्छा तो नौकरी छोड़ देना बेहतर है, क्या बोलता है बे साथी? बिल्कुल सही बोला भाई। यूनिफॉर्म रूल इसलिए नहीं रखा गया कि उसे हमारे ड्रेस पसंद नहीं आए, बल्कि हम पसंद नहीं आए। यूनिफॉर्म बड़ा आया यूनिफॉर्म पहनने वाला। गुड मॉर्निंग मैडम। या या, यू डोंट वरी अबाउट इट, ओके, आई विल टेक केयर ऑफ इट। बोलिए राव जी। दरअसल मैम, आपसे कुछ बात करनी थी इसलिए आए। ओके, किस बारे में? अब वो मैडम, तुम्हें जरा भी मैनेज नहीं है क्या? सॉरी मैडम। राव जी। हाँ मैम। आप दोनों एक ही बात करने आए हैं? जी हाँ मैम। तो फिर तुम निकलो। मैडम वो कल, आई सेड आउट। जाओ ना बाहर, जाओ जाओ। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। राव जी, टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी बताइए क्या बात है। आपके पिताजी किसी भी एक डिपार्टमेंट के साथ टूर प्लान करते थे, तो इस बार कहाँ जाएंगे ये सोच करके टेक्निकल डिपार्टमेंट बहुत ही उत्सुक है मैम। इस समय इन सब की जरूरत है क्या राव जी? मैम हर साल आपके पिताजी स्टाफ के साथ टूर जाते थे, इसलिए सब बहुत खुश रहते हैं। ठीक है ठीक है, वैसे कहाँ जाने की सोच रहे हैं आप लोग? वो ऊटी, कोडाईकनाल, कुल्लू मनाली, ऐसे तीन ऑप्शन हमारे सिद्धू ने रेडी करके रखे हैं मैम। ओह, सिद्धू का प्लान है। ये सारे हिल स्टेशन है ना? जी हाँ। ओके, प्लेस मैं डिसाइड करूंगी, उनके लिए सरप्राइज है ऐसा कहिएगा। तो बहुत ही अच्छा प्लान मैम। अच्छा सुनिए, आपको भी आना पड़ेगा मैम। ओके, सोच के बता। जी जी जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। मालिक। हे डैड। आओ बेटी, आरती ले लो। डैड, आपको पता है ना, आई डोंट बिलीव इन गॉड। ऐसा नहीं कहते बेटा। क्यों, भगवान को गुस्सा आ जाएगा क्या? डैड, एक बात पूछती हूँ, बताएंगे? अगर भगवान होता तो बचपन में ही मेरी माँ मुझसे दूर क्यों चली जाती? डैड, भगवान भगवान कुछ भी नहीं होता, और मुझे यकीन दिलाने की कोशिश मत कीजिए। ओके बाय डैड। ड्राइवर जी, आता हूँ मैडम। अरे यार, एक कांड हो गया भाई। क्या हो गया भाई? क्या हुआ? क्यों इतना टेंशन में हो? सब रख लिया यार, लेकिन एक चीज भूल गया भाई। क्या? अरे लेकिन क्या हुआ भाई यार, अंडरवियर भूल गया। अरे यार, तू भी क्या अंडरवियर के लिए टेंशन ले रहा है? चार दिन का टूर है यार। अरे मेरे भाई, पता है मैंने एक अंडरवियर चार दिन से पहन कर रखी हुई है। ये कैसे भाई? अरे यार, बड़ा सिंपल है। कैसी बातें कर रहा है? ये देखो, ये है मेरी अंडरवियर डे वन के लिए, अब उल्टा डे टू के लिए, अब डे थ्री उल्टा कर दिया, अब ये डे फोर। अरे भाई, बस पहले ऊटी जाएगी या कोडाईकनाल? वो दोनों जगह नहीं यार, कुल्लू मनाली जाएंगे। सुन भाई, ठंडी लग रही, मतलब ऊटी आ गया क्या? तुम्हारी बकवास बंद करो। जब से बस में चढ़े हो, देख रहा हूँ ऊटी कोडाईकनाल ऐसा कह के चिल्लाते जा रहे हो। अभी हम लोग किधर जा रहे हैं पता है? लांबा सिंह जा रहे हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे। राव जी, वो सच कह रहा है क्या? पर मुझे भी तो अभी पता चला है। ऐसे ही जाकर वापस आने के लिए इतना बैगेज जरूरी था क्या? ऐसे ही नहीं कहते हैं, औरतों को अधिकार देना ही नहीं चाहिए। ए सिद्धू, तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना, तो बॉस को गाली दो, लेकिन हम औरतों को गाली मत दो। दूंगा, सारी औरत जात को गाली दूंगा। मेरी बातें ऐसी ही होती हैं, तुम्हें चुभने लायक ही रहती हैं। भूकंप आने पर एक शहर सुधर सकता है, पर तुम औरतों की वजह से घायल हुए आदमी की जिंदगी कभी नहीं सुधर सकती। हम कुछ नहीं बोल रहे, तो तुम कुछ भी बोलोगी क्या? यार पाउच करना, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, ऐसे स्टाइल से यार। Who's that stupid? वो खड़ा है। ओह, ये क्या? इसे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। राव जी, सिद्धू को यहाँ बुलाइए। अभी बुलाता हूँ। सिद्धू, अरे यार, सिद्धू इधर आ। ये कहाँ से आ गई यार? अभी सिद्धू,
पकड़ में आ गया। मुझे सॉरी कहने को कह रहा था, अब देख सबके सामने कैसे सॉरी कहलवाती हूँ। मैडम बुला रही है तुम्हें, जाओ। हे, टेक्निकल हेड हो इसलिए दिखावा कर रहे हो, और इन सबके साथ मिसबिहेव क्यों किया? औरतों के बारे में कुछ भी अनापशना बक रहे थे। मेरी गलती नहीं है मैडम। इज्जत से इन सबको सॉरी कहो। मैं नहीं बोलूंगा। सॉरी कहोगे या अभी जॉब से रिजाइन करोगे? अरे सिद्धू क्या कर रहे हो तुम, बोल दो सॉरी, बोल दो ना। सॉरी इस बार मुझे भी नहीं सुनाई दिया। सॉरी 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 सॉरी। अगर ये हरकत दोबारा की ना तो सॉरी से माफी नहीं मिलेगी, माइंड इट। मैडम ये लड़कियों से नफरत करता है, कहीं ये वैसा तो नहीं है? मैडम शायद इसे लड़के पसंद है। अच्छा किया। सिद्धू सिद्धू ए सिद्धू सुन यार। अरे हाँ सिद्धू बुलाओ। सिद्धू सुना तुम सारी औरतें झूठी हो, मक्कार हो, आलसी हो, बेवफा हो, घमंडी हो, सब के सब धोखेबाज हो। इस औरत जात ने जन्म ही क्यों लिया पता नहीं, लगता है मर्द जाति का नाश करने के लिए पैदा हुई है। धोखा देने वाली गद्दार। ये व्यर्थ की बातें करना बंद करो। कौन है बे? अच्छा खासा फ्लो जा रहा था, बीच में डिस्टर्ब किया। नहीं रोकूंगा, नहीं रोकूंगा खुद को मैं। अगर सुन नहीं सकते तो कान बंद करो। वैसे तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? एक स्त्री से जन्म लेकर उसी स्त्री के बारे में आपत्तिजनक बातें करते हो। स्त्री का मतलब तुम्हें पता भी है? वो इस सृष्टि को रचने वाली आदि शक्ति है। रुक जाओ मैं ये सब नहीं सुन सकता। औरत इस सृष्टि की रचना करने वाली नहीं, विनाश करने वाली है। उसकी महानता नहीं जानते, उसकी शक्ति को नहीं समझते, इसीलिए अज्ञानता की बातें करते हो। देखो औरतों के बारे में मुझे इतना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। वैसे ये आपका सारा सेटअप क्या है, ये गेटअप किस लिए? तुम कहीं किसी ड्रामा कंपनी से भागकर तो नहीं आए हो? इस जंगल में मुंह छुपाकर एक कोने में दुखी बैठे रहने का मतलब या तो लवर भाग गई होगी या फिर बीवी भाग गई होगी। चुप रह मूर्ख, मेरा अपमान करता है, तू बातों से नहीं समझेगा। ये क्या मंत्रोच्चार? रोज टीवी चैनल ऑन करने पर तुम्हारी तरह धोखेबाज साधु ही दिखते हैं। तुम्हारे मंत्र किसी भी काम के नहीं है। ओम अहम ब्रह्मास्मि, हर हर महादेव, कालिकाये नमः, कपालिन्ये नमः। ये क्या शब्द दिया, क्या डॉगी या फिर कैट बन जाऊंगा? जाकर अपना काम करो भाई, मंत्रोच्चार। तू मेरे पास दोबारा आएगा, उस दिन का मुझे इंतजार रहेगा। मैं और तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आऊंगा। तो फिर वेट करो, तू आएगा। इसकी नजर, उसकी नजर, ऑफिस वालों की नजर, सबकी नजर उतर जाए। थू थू थू। अरे ओ, खाना खाए बिना सोना मत। ठीक है। ये क्या? छोड़ो जान दो, मुझे सर दर्द देने के लिए सिर्फ ये बॉस ही ऐसा सोचा था, बीच में ये बुढ़ा भी आ गया। हाँ, सोने के बाद सुबह सब ठीक हो जाएगा। सुबह सुबह ब्लैक कैट, पता नहीं अब क्या पनौती लगेगी। चीजे, सुबह ब्लैक कैट का दर्शन और अभी इनका दर्शन। पापा आपको कितनी बार बोला है मेरा बाथरूम इस्तेमाल मत कीजिए। अरे तो मैं क्या करूं, नीचे तेरी बहन ने हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया है। क्या है इस बाथरूम में, पिघले हुए साबुन और टूटे हुए मग के अलावा? चल जा। आप ही ने तो सिखाया था ना कि कोई भी चीज पूरी तरह इस्तेमाल करो। और एक मैंने इस्तेमाल कर लेता हूँ। वाली भैंस की तरह खाते रहता है। सुनो मेरा टिफिन तैयार है ना? हाँ तैयार है।
माँ मेरा लंच बॉक्स रेडी है ना? सबको अर्जेंसी रहती है, सबको ऑर्डर करना है, कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। इसे देखो, अगर ये शादी कर ले तो इसकी जो बीवी होगी कम से कम वो तो मेरी मदद करेगी, लेकिन शादी की बात करते ही ये भड़क जाता है। माँ कितनी बार बताना पड़ेगा, हर बार ऑफिस जाने से पहले शादी की बात मत किया करो। हा? अरे अब मैंने क्या कहा तुझसे? बात मत करो हर रोज शादी की बात या लड़की की बात। चल जा। के सारे भाई अपनी बहन को कॉलेज तक ड्रॉप करते हैं, मगर इसने आज तक मुझसे एक बार नहीं पूछा। देखो सारे भाई अपनी बहन को इसलिए ड्रॉप करते हैं ताकि वो दूसरी लड़कियों पर लाइन मारे। मेरा ऐसा कोई चांस नहीं है, मुझे लड़कियों से नफरत है। पैदल चली जाओ, ड्रॉप करूंगा। तो कुछ बोला ही नहीं, इसे पता कैसे चला? कल के बाद तो इसका घमंड चूर चूर हो गया होगा। सीधू क्यों तुम लड़कियों पे गुस्सा करते हो? दिखने में तो बहुत हैंडसम हो, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम ही मेरी प्रॉब्लम हो। इसे कैसे सुनाई दिया? जगा दो। आया बड़ा हीरो। सिद्धू तुम्हें जब भी देखती हूँ तो मैं तुम्हारी दीवानी हो जाती हूँ। तुम लड़कियों से नफरत करते हो इसलिए कंट्रोल कर लो, वरना तो क्या कब का पता नहीं क्या कर चुकी होती। पर इनकी बातें सुनाई दे रही हैं, मुझे आज हो क्या गया है? सॉरी कह देने से तुम्हें छोड़ दूंगी सोच रहे हो? तुम्हें इस ऑफिस से परमानेंटली भेजने का प्लान कर रही हूँ मैं। क्या हो गया है मुझे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। शादी की बात करने से डरने वाली माँ आज शादी की बात करने लग गई, कॉलेज में ड्रॉप करने के लिए कभी ना कहने वाली बहन आज मुंह पर ही डांट के चली गई, ऑफिस में मुझे देखने से डरने वाली लड़कियाँ मन चाहे कमेंट्स कर रही हैं, देखा जाए तो बॉस ने भी मुझे ही टारगेट किया। मेरा साथ ले। अच्छा तो बुढ़े ये सब तेरा किया कराया है, लड़कियों से मुझे नफरत है, उनके पास दिल नहीं होता ऐसा बोला था, अब उनके मन की बातें सुनने का श्राप मुझे दे दिया। मेरे बारे में तुम्हें ठीक से पता नहीं है बुढ़े, तूने मुझे ये जो श्राप दिया है इसको वरदान में कैसे बदलूंगा मुझे अच्छे से पता है, देखते रहना। सत्य है। सुनो सिद्धू, तुम्हें एनकेजी अर्जेंट बुला रहे हैं। हाँ क्यों बुलाया होगा? क्या हुआ, आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? धर्मा ग्रुप्स ने हमारे सारे पार्टनर्स को हाई परसेंटेज ऑफर देकर गलत तरीके से अपनी तरफ खींच लिया है बेटी। अपने पार्टनर्स के बिना हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल है, अगर ऐसा ही रहा तो बहुत ही जल्द अपनी कंपनी को बंद करना पड़ेगा। मैं कह रहा था कि इसे सीईओ नहीं बनाना चाहिए, अब आप देख रहे हैं ना आखिर क्या हो रहा है। मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगा। इन सालों में जो तुमने किया वो काफी नहीं है, अगर तुमने अच्छी तरह ध्यान दिया होता तो आज कंपनी की हालत ऐसी नहीं होती। डैड डोंट वरी, पार्टनर्स को कन्विंस करके सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की जिम्मेदारी मेरी होगी, ट्रस्ट मी। राव जी आप और सिद्धू इसकी मदद करेंगे। मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पार्टनर्स को सिद्धू बहुत अच्छी तरह से जानता है बेटी, उसकी मदद तुम्हारे काम आएगी। बात वो नहीं है, मैडम को पसंद नहीं है तो रहने दीजिए सर। बेटी मेरी बात मान जा बेटी। हाँ मैं और इसकी मदद लूं? आपको भी ना एक बाहर के आदमी पे भरोसा है लेकिन अपने बेटे पे भरोसा नहीं है आपको। मालिक परेशान मत होइए, आप देखना वो सुधर जाएंगे। उसके सुधरने की उम्मीद अब बिल्कुल नहीं है। पिताजी कैसे हैं बेटा? जब कंपनी प्रॉब्लम में है तो वो कैसे ठीक हो सकते हैं? सही बात है, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, पिताजी चल नहीं पा रहे हैं तो भला कंपनी कैसे चलाएंगे। देखिए केबी जी, आप जब तकलीफ में थे तो जिस कंपनी ने आपको सपोर्ट किया उसके बुरे वक्त में आप उसे छोड़ देंगे, क्या ये इंसानियत कहलाएगी? तो मैं क्या करूं बताइए, अब उस धर्मा ने मुझे अच्छा परसेंटेज ऑफर किया तो मैंने प्रॉमिस कर दिया। पता नहीं कितने लोगों को करेगा प्रॉमिस, मुझे 3 बेडरूम फ्लैट का प्रॉमिस किया था, काम वाले को 10 तोला सोना देने का प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस कभी पूरी करे ना करे लेकिन ये आदत कभी ना जाएगी। डैडी को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, प्लीज आप उन्हें अपसेट मत कीजिएगा। अब इसमें अपसेट की कौन सी बात है, सबका अपना स्वार्थ होता है। प्लीज अंकल मेरी बात। अब प्रोफेशनल मैटर काफी हो चुका है, अगर कुछ पर्सनल मैटर हो तो मुझे बताओ, सुन लूंगा, नहीं तो जा सकते हैं। सर अंकल केबी जी प्लीज एक बार सोच के तो देखिए।
मैं जाके बात करता हूँ। प्लीज प्लीज वन मिनट। अरे नटखट तुम यहाँ हो क्या? मैं तुम्हें बाथरूम में ढूंढ रहा था। एक्सक्यूज मी सर। तुम अपना काम करो, चलो। ए, मैंने कहा ना तुम्हारी मैडम की कोई बात नहीं सुनूंगा। ऐसा नहीं है सर, मेरे पास एक मस्त सुपर इंटरेस्टिंग पर्सनल मैटर है सर। क्या है बोलो? मैं बताता हूँ लेकिन आप बेचैन मत होना। टेंशन मत लो, मेरा दिल बहुत ही मजबूत है। दूसरे के पर्सनल मैटर से भला मुझे क्यों बेचैनी होगी? बात यह है सर, आपके पीए को ट्रिपल बेडरूम फ्लैट, काम वाली को 10 तोला सोना, ये जो आपने उनसे प्रॉमिस किया हुआ है, उनके साथ जो रोमांस कर रहे हो आप, असल में मारवाड़ी नहीं हो ये बात। ओके, तुझे ये सब कैसे पता? वैसे मुझे भी दूसरों से संबंधित पर्सनल मैटर्स में बहुत इंटरेस्ट है सर, इसलिए मैंने पता किया। ये तुमने किसी से बताया तो नहीं ना? हमारे प्रोफेशनल मैटर्स को अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो आपके पर्सनल मैटर्स को आपकी फैमिली के साथ शेयर करना पड़ेगा। भाभी जी, हमारे ऑफिस का आदमी अच्छा लड़का है, आजा आजा आजा, मेरा परिवार मत उजाड़ो। तो आप भी इनके कंपनी को मत उजाड़िए सर, प्लीज। बेटे, जब तक मेरी सांस रहेगी तुम्हारे पिताजी का साथ दूंगा। ऐसे क्यों देख रही हो बेटी? इतनी जल्दी चेंज हो गया इसलिए? इस लड़के ने मुझे एकदम इंप्रेस कर दिया है, इसलिए मैंने प्रॉमिस किया। थैंक यू सो मच अंकल। थैंक यू। थैंक्स सर। अब वापस नहीं आओगे ना? आप ही आओगे ना, पहला विकेट गिर गया। मुझे शक है कि इसने पेन ड्राइव में सब कुछ रख लिया। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मतलब नहीं हो पाएगा। अगर आप ऐसा कहेंगे अंकल तो कंपनी की पोजीशन का क्या होगा, जरा सोचिए। मेरे लिए मेरी पोजीशन इम्पोर्टेंट है। आओ, बस आप 2 मिनट बाहर इंतजार कीजिए, मैं ये मैटर सॉल्व करता हूँ। प्लीज चलो बेटी, बाहर इंतजार करते हैं। क्या है, दादागिरी है क्या? अरे नहीं, मैंने शुरुआत ही वहीं से की थी बेटा। अरे सर, बस मुझे 2 मिनट बात करनी है आपसे, बस 2 मिनट। छोड़ दो उसे, उसे सिर्फ 2 मिनट चाहिए ना, तो जाओ 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 जाओ। एक बार अपनी वाइफ को बुला सकते हैं सर? अरे धर्मा कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए उसी ने तो कहा था, उससे तुम क्या बात करोगे? हाँ हाँ, आओ 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 आओ। ये लड़का तुमसे बात करने के लिए बेचैन है, कर लो बात भाई। क्या बात करनी है? सीक्रेट्स। सीक्रेट्स? किसकी? आप ही के मैडम। मेरी? अभी डीमोनेटाइजेशन के वक्त वो 100 करोड़ ब्लैक मनी को वाइट करने वाली बात इसे पता होगी क्या? डीमोनेटाइजेशन के वक्त आपने 100 करोड़ को वाइट किया था ना? बाप रे, वो एमएलए वीरभद्र के बेनाम आदमी हम ही है, ये मेटल लीक हो गया क्या? एमएलए वीरभद्र जी के बेनाम संपत्ति के मालिक आदमी है ना? मतलब बैंक लॉकर में छुपाए हुए 40 किलो के सोने के बारे में भी? वो बैंक के लॉकर में 40 किलो छुपाया गया सोना? ए, 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 नहीं नहीं नहीं, छोड़ो इसे, छोड़ो छोड़ो, चलो बाहर जाओ। ये साहब है, ये सिद्धार्थ साहब है। अरे तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा। ओके, क्या हम बाहर जा सकते हैं? ओके, चलो चलो आओ। बेटी, पापा को बोल देना कि आई एम बैक। चलता हूँ बेटी, बाद में मिलते हैं। चल, क्या कर रही है अंदर? चल। वैसे तुमने उसे क्या कहा? कैसे कन्विंस किया उसे? मैंने सच कह दिया। ये सिद्धू ने एक बार जो कह दिया वो 100 बार कह देने के बराबर होता है। दूसरा विकेट। व्हाट? माँ, जल्दी से टिफिन दे दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। वैसे आज स्पेशल क्या है? इडली बनाइए बेटा।
कैसा इंसान है ये, मेरी बहू से कितना काम करवाता है। उसने खाना खाया या नहीं ये तो कभी पूछता भी नहीं। हे भगवान, ये क्या मेहनत करने के लिए ही पैदा हुई है। इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं तो मदद करना चाहती हूँ पर क्या करूँ। माँ, तुमने खाना खाया? तुम बैठो। अरे मैं कह रहा हूँ ना, बैठो। अरे पर... बैठो माँ, अब मैं तुम्हें खिलाऊंगा और वो भी अपने हाथों से। क्यों बेटा, ये एहसास तुझे पहली बार हुआ कि मुझसे पूछे? माँ पहले तुम खाओ। माँ आ करो, अब पानी पियो। बस बेटा, तेरे प्यार से ही मेरा पेट भर गया, खा ले। माँ तुम नहीं खाओ बेटा, ना तुम खा ले। ले तुम भी खा। तुम भी खाओ ना माँ। ये क्या है सावित्री, अपने बेटे को अपने हाथों से खिला रही हो और मुझे प्लेट में दे रही हो। शादी के 30 साल तक तो सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचा, कभी अपने बच्चों के बारे में सोचा ही नहीं। पापा, माँ को बाहर घुमा कर कितना समय हो गया है? कुछ समय पहले फिल्म दिखाने ले गया था ना, याद है कि नहीं? फिल्म दिखाने, उसके बाद समंदर किनारे ले गए, शिरडी के साई बाबा ले गए, उसके बाद तिरुपति बालाजी के दर्शन करा दिए। ऐसा रहेगा तो कैसे चलेगा? तेरा मतलब क्या है, तेरी माँ को खुशी से नहीं रख रहा हूँ क्या? पापा, खुशी से रखना मतलब जरूरतें पूरी करना नहीं, इच्छाएं पूरी करना होता है। रख लीजिए। 10,000 रुपए? पर किस लिए? मेरी तरफ से तोहफा। पापा ले जाइए माँ को बाहर। हाँ। ले जाइए, पूरी दुनिया दिखाइए, उसके बाद देखना प्लेट में होने वाला डोसा आपके मुंह तक कैसे पहुंचेगा। सावित्री, हाँ, सावित्री। औरतों को सरप्राइज बहुत पसंद है। ये हाँ। सही था। रोज रोज उन इडियट्स का टॉर्चर बढ़ता जा रहा है। कम से कम आज मेरा भाई मुझे ड्रॉप कर देता तो कितना अच्छा। ए मिनू रुक, चल कॉलेज में ड्रॉप कर देता हूँ। क्यों ऐसे अचानक? बैठ ना। आज भैया को क्या हो गया? बेड़ो सामने देख, अपनी छोरी आ रही है। सामने देख, बॉडी गार्ड की लवर कौन है? कि भाई है। सही है, सही है। भाई है रे भाई। भाई इसी तरफ आ रहा है। भाई ही हूँ भाई। क्या रे शाने, हीरोगिरी दिखाएगा तू? नहीं भाई। तो फिर यहाँ पर क्यों आया रे? ब्रदर्स, वो मेरी इकलौती बहन है। हाँ। रोज इसी रूट से कॉलेज जाती है। डेली तुम लोग ऐसे कमेंट्स करोगे। हाँ। तो बेचारी कॉलेज जाने से डरेगी ना। मेरी दादी को इसे डॉक्टर या इंजीनियर बनते देखना है, यही उसकी आखिरी इच्छा है। मेरे माता पिता की इच्छा है कि अगर ये अच्छे से पढ़ेगी तो इसे अच्छा जीवन साथी मिलेगा। मेरी इच्छा है कि बहन को अच्छे से पढ़वा कर कोई अच्छी नौकरी करवा के और शादी करके विदा करूंगा तो आगे की जिंदगी में मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। इतने सपने और इतनी इच्छाएं तुम्हारे कारण डिस्टर्ब होना ये सही नहीं है। ये नहीं सुधरेंगे। रोज आकर मेरी बहन को मत सताओ प्लीज। हम सताएंगे, तेरे को जो करना है कर ले, हम यहीं पर ही रहेंगे, जब तेरा दिल करे देखने को आ जाना। देखने तक क्यों जाना है भाई, हम ही कॉलेज जाने के लिए कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। चलता हूँ, बाय ब्रदर्स। हे मीनू, हे मीनू, चलो बैठ जाओ। बड़े हीरो की तरह अपनी गाड़ी रोके थे, मुझे लगा था कि उनको डांटेंगे, लेकिन बेशर्मों की तरह उनसे भीख मांग रहे थे। क्यों, उन गुंडों को मैं ग्राउंड में भगा भगा के मारूंगा ये एक्सपेक्ट कर रही थी? सही कहा, और एक बहन अपने भाई से इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकती है ना? कर सकती है, उसमें गलत कुछ नहीं है। पर मीनू, अगर आज मैंने उनसे झगड़ा किया तो कल वो दुश्मनी निकालने के लिए तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा करेंगे तो मैं सह नहीं पाऊंगा। सॉरी भैया, मैंने आपको गलत समझा। चला पीछे बैठ जा। अरे पहले अपने आंसू पोंछ। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरी बेटी सारी मेहनत सिद्धू ने की और क्रेडिट मैं ले लूं, ये ठीक नहीं होगा। ये बात डैडी को बतानी ही होगी। आप सब भी खुशी से भूले नहीं समाएंगे। थैंक यू डैड। एक्चुअली हुआ ये कि सर, आपके डिसीजन सही होते हैं सर। पार्टनर्स की बात करें तो हासिनी जी ने उन्हें जो कन्विंस किया था वो बहुत ही बढ़िया था सर। ऑफिस में इन्हें देखता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं आपको देख रहा हूं। यू आर राइट सिद्धू,
आई एम वेरी हैप्पी बेटा। सिद्धू क्या कर रहे तू? इधर आ, राव जी। ये कैसा अन्याय हो रहा है सिद्धू? मेहनत सारी तुमने की, लेकिन वो समझ रहे कि ये सब उनकी बेटी ने किया है और तुम उसका समर्थन भी कर रहे हो। ये क्या है भाई, ये तो टू मच हो गया। देखो अपने टैलेंट प्रूव करने के ऐसे मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। राव जी, पहली बार सर की आंखों में मैंने खुशी देखी। एक एम्प्लॉय कुछ भी हासिल करता है तो उसे एक मेडल या फिर बोनस देते हैं, पर खुद की बेटी ने ही उन्हें जिताया है, इस बात का उनकी आंखों में कितना संतोष दिख रहा था, उससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। चलते हैं सर, चलिए एक पैग लगाते हैं, शर्माइए मत आइए। गुड मॉर्निंग। हाय बेबी, गुड मॉर्निंग। सर सर, हमारा प्लान उल्टा पड़ गया है। अरे हुआ क्या, बोलो भी। वो एनके ग्रुप वालों ने अपने पार्टनर्स वापस ले लिए सर। ओह नो। हाँ? उन लोगों ने हमारे पार्टनर्स को भी अपनी तरफ कर लिया। हम कंपनी की सक्सेस पार्टी प्लान करना चाहते थे और ये क्या शॉकिंग न्यूज है? कौन है वो जो थर्मा से पंगा ले रहा है? यही है सर, सिद्धू नाम है। देख लूंगा मैं इसे। रिलैक्स डैड, लेट मी हैंडल दिस। कहाँ है तू? हेलो। हेलो सिद्धू। हाँ कौन? मैं हूँ सिद्धू। मैं हूँ मतलब? मैं हासिनी। मैडम आप, आपने कैसे कॉल कर लिया? क्यों? पहली बार है ना मैडम, इसलिए एक्सपेक्ट नहीं किया था। संडे है ना, क्या कर रहे हो तुम? आज क्या तुमसे मिलना पॉसिबल हो पाएगा? क्यों नहीं पॉसिबल होगा मैम, आप बस ऑर्डर कीजिए, पल भर में आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आ रही हूँ 5 मिनट में। ओके मैडम। क्यों बड़ा मटक रहा है तू? फोन पे कौन था? बॉस। बॉस मुझे पिकअप करने के लिए आ रही है 5 मिनट में, मैं रेडी होके आता हूँ। इस खटारा स्कूटर को पिकअप करने के लिए जैगुआर आ रही है, बोल रहा है, बात करता है ये भी। अबे यार। हाय मैडम। क्या दिन आ गया, सिद्धू अब जैगुआर कार में बैठेगा। वो अभी बस कार में बैठ रहा है बे, अभी से शादी के मंडप में मत बिठा, मर जाएगा टेंशन से। लगता है पहली बार इतनी बड़ी गाड़ी में बैठ रहा है। हाँ मैडम, फर्स्ट टाइम ही है। हे, मैं ऐसा नहीं सोच रही थी। आप सोच नहीं रही हैं, फिर भी फर्स्ट टाइम ही है। वाओ, माय फेवरेट लिली फ्लावर्स। मैम वो फ्लावर्स देखे आपने? लिली फ्लावर्स लगते हैं, मुझे बहुत पसंद है। ओह रियली, मुझे भी वो फ्लावर्स बहुत पसंद है। यू हैव अ ग्रेट टेस्ट सिद्धू। जॉर्ज माइकल, आई रियली मिस यू। ये जॉर्ज माइकल का सॉन्ग है ना? मुझे बहुत पसंद है। हे सिद्धू, तुम्हें भी जॉर्ज माइकल पसंद है? मैं तो उसके पीछे पागल हूँ। बचपन में मैं खाने का निवाला चांद को देखकर नहीं खाता था, जॉर्ज माइकल सॉन्ग सुनने के बाद ही खाता था। मेरी माँ कहती थी। हम दोनों की पसंद कितनी मिलती जुलती है ना सिद्धू? और तो और हमारे ड्रेस कलर्स भी। How sweet, isn't it? रहने दो मैम, आप बहुत ही अमीर हो और मैं बहुत गरीब, हमारी पसंद आपस में कैसे मिल सकती है? पसंद नापसंद से इसका कोई लेना देना नहीं है सिद्धू, ये तो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। क्या अमीर गरीब, क्या सिद्धू तुम भी ना। Hey, sit down. क्या ऑर्डर करेंगे तो अच्छा होगा? स्मोक चिकन, मैक्सिकन पिज्जा, क्लब सैंडविच एंड कैपेचिनो। मैडम क्लब सैंडविच कैपेचिनो ठीक है ना? Here we go again.
बोलिए सर। टू क्लब सैंडविच एंड टू कैपेचिनो। ओके हे सिद्धू, हाउ इज इट पॉसिबल एवरी सिंगल टाइम अपने मन में मैं जो भी सोचती हूँ तुम भी बिल्कुल वही सोचते हो। इट्स सो वंडरफुल, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी कुछ बातें मिल जाती है मैडम। कुछ नहीं, सब कुछ। मेरे मन को तुम किताब की तरह पढ़ रहे हो। आई एम रियली एक्साइटेड, यू नो। आपको इस तरह खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। आपकी खुशी को मैं भी शेयर कर सकती हूँ क्या? आप धर्मा जी की बेटी साशा है ना? यस। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ आई हूँ। मुझे तुमसे 5 मिनट पर्सनल बात करनी है। सिद्धू के साथ पर्सनल बात? मेरे सामने सिद्धू को टच कर रही है। हमारी कंपनी का जीएम तुम्हें बनना है, ये मेरा फैसला है, ये मेरा कार्ड है। नो नो नो, डोंट टेक दैट कार्ड सिद्धू, प्लीज। शाम तक सोचने के बाद हाँ कह देना। ओके। हेलो मैडम, ये सिद्धू ऑफर्स और डिस्काउंट्स पर फिसलने वालों में से नहीं है। मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हो? जाओ यहाँ से। देख लो, ऐसे ऑफर्स बहुत देखे हैं। बेटा इनको क्या हो गया? हाँ कुछ नहीं हुआ, पार्टी में 2 ग्लास ज्यादा पी लिए। मैडम का रूम कहाँ है? आइए दिखाता हूँ। बेटा आज के जमाने में आप जैसे लोग भी हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ठीक है, वैसे सर तो सो गए। हाँ वो सो गए हैं, आप अंदर चलिए। बाप रे डॉक्टर, अरे घबराइए मत, वो कुछ नहीं करेगा। आइए अंदर आइए, मैम साहब का बेडरूम ऊपर है। आओ बेटा अंदर आओ। लाओ इसे मुझे दे दो। ए सिद्धू, डोंट लीव मी, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं ये नई दुनिया देख पा रही हूँ। आई रियली लाइक यू। मुझे भी आप बहुत पसंद है मैडम। बेटा आजकल आप जैसे इंसान भी होते हैं। अरे भाई मुझे जाने दो, अब चलो वो सो रही हैं। चलो बेटा बेटा। मैडम तो खाली पेट सो रही हैं, वो बीच में उठ सकती हैं। कुछ खाने का इंतजाम करके रखो। बेटा आजकल आप कैसे इंसान भी होते हैं? क्यों सता रहे हो मुझे? तारीफों से भी जान निकल सकती है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ।
चलता हूं बेटा, आज के जमाने में आप जैसे इंसान होते हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा बेटा। तो मैटर घर तक पहुंच गया है, देखता हूं। हल्का हो गया, जब देखो धोता ही रहता है अपना हाथ। अरे कुछ भी गंदा नहीं है यार, हाथ धो ले। वाओ नाइस पोस्टर। हेलो, अरे साथी कैसे हो? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हे डूड, आए कैसे हो ब्रो? हे बेबी, गोटी 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 गोटी। कैसे दिया रे? 10 रुपए। ये क्या, सब के सब ठंडा, एक भी गरम नहीं है यार। अरे सब गरम ही तो है। चलो लाओ दे दो यार। हाँ ये लो। गरम है क्या? एकदम गरम है साहब। क्यों बे, टॉयलेट में जाके सूख कर लिया, बस हो गया क्या? हाथ नहीं धोना होता है क्या? अबे पानी क्यों वेस्ट करना, खाएगा क्या? ए, गंदा कहीं का। अगर तेरी तरह सब सोचे कि हाथ धोने से पानी वेस्ट होता है तो क्या होगा पता है? तुझे तो आदत है ना। हाथ धो रहा है कि नहा रहा है? अरे ओए, अरे हाथ तो धो दे भाई। अबे कुछ भी गंदा नहीं है मेरे हाथ में। देखा आपने, जब तक सबक नहीं मिलता ना तब तक बात समझ में नहीं आती है। अब ये टॉयलेट के बाद सिर्फ हाथ नहीं धोएगा बल्कि नहा भी लेगा। बहुत बनता था, मैंने कहा था ना कूल शांत हो जाओ, मेरी बात सुना कर भाई। चल जा बे, सब तेरी ही गलती है। बाप रे बॉस यहाँ पर है भाई, पीछे देख। अबे सिद्धू, अरे भाई यहाँ क्या कर रहा है? वैसे नाइस सरप्राइज है। तुम्हारी कौन सी रो है? तेरा कौन सा रो है? हमारी भी है। हमारा भी है। सीट नंबर्स? तुम्हारा सीट नंबर कौन सा है? सीट नंबर 23-24। हमारा भी 23-24 है। अबे ये कैसे हो सकता है ऐसे? हो गया सत्यानाश। हटो यार, नेक्स्ट शो के लिए ट्राई करो। गर्लफ्रेंड क्या मिली, अपने दोस्तों को ही भूल गया। ये दोस्तों की कदर नहीं है ऐसे। सही कह रहा है, कल तू भी ऐसे ही करेगा। चल दो टिकट लेकर आते। इसकी तो ऐसा लग रहा है कि फिल्म देखने नहीं टॉयलेट करने आए हैं यार। ए छे छे छे, घर जाके नहा लेना। हट। मजा आ रहा है। शॉपिंग कहा तो फिल्म दिखाने ले आया, फिल्म में 100 रुपए में काम हो जाता है ना। अरे यार, किरण के साथ जो फिल्म देखने आई थी वही फिर से वासु के साथ देखनी पड़ रही है, बोर हो रही हूँ। कितना कंजूस है ये, ये क्या हो रहा है? तो हमें ही नहीं था, इसने जबरदस्ती की इसलिए मैं आ गई। अरे सिद्धू, थिएटर तक पहुँचने वाले तुम्हारे प्यार को ब्रेकअप तक कैसे ले जाती हूँ देख लेना। हसीनी, मैं थोड़ा बाहर जाके आता हूँ। ओके। गुरुजी, फर्स्ट टाइम तुम्हारा वरदान मुझे शराब की तरह लग रहा है। जहां पर भी जाता हूँ वाईफाई 4G नेटवर्क की तरह, ये टॉर्चर क्या है सब? गुरुजी, ए रोमांस करने के लिए तुम्हारे बॉस के बदले मैं काम आ सकती हूँ? क्यों, तुम्हारी रोमांटिक लव स्टोरी रेस्टोरेंट पब और थिएटर तक ही सीमित है या बेडरूम तक भी पहुंच गई है? उसने अपना सब कुछ दे दिया क्या? बेवजह की फालतू बातें कर रही हो। लगता है बातों से बात नहीं बनने वाली। ये सब क्या है, पागल हो गई हो? हाँ तुम्हारे पीछे पागल हो गई हूँ। तुम्हें जो ऑफिस का ऑफर दिया था ना वो अभी तक खाली पड़ा है, कॉल कर लेना। ओके? नहीं सिद्धू, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ भी नहीं। ए, कुछ तो छुपा रहे हो, सच सच बताओ। I love you. I love you too. तुमसे ये बात सुनने के लिए मैंने कितने दिन इंतजार किया है। I love you. अगर इनकी जगह मैं और सिद्धू होते तो कितना अच्छा होता। मैडम आप कुछ भी कहो,
ये प्रपोज करने का काम बहुत ही मुश्किल होता है। मुश्किल है कहकर प्रपोज नहीं करोगे तो दिल की बात कैसे पता चलेगी? अभी पता चला जी। What? क्या पता चला? प्रपोज करने में देरी नहीं करनी चाहिए। पता चल गया ना, तो अब देर क्यों कर रहे हो? सुनिए ना, आपसे एक बात करनी है। बोलो ना सिद्धू। कैसे कहूँ, पता नहीं चल रहा है। टेंशन मत बढ़ाओ सिद्धू, ये सस्पेंस पे और नहीं सह सकती। किसी तरह हिम्मत करके बोलो ना सिद्धू। मुझसे नहीं हो रहा है, मैं रात को अच्छे से प्रैक्टिस करके सुबह बता दूंगा। ओह गॉड, अगर सुबह नहीं कहा ना तो? आप धमकी दोगी तो बिना बोले कैसे रह सकता हूँ मैडम? बोलूंगा, प्लीज प्लीज। औरतों से मुझे नफरत थी, लेकिन पहली बार मुझे प्यार हो गया। इतने सालों से मैंने प्रार्थना नहीं की, इसलिए मुझे सजा मत देना। मेरा प्यार सफल हो जाए इसलिए आप भी मुझे आशीर्वाद दे दो। इन्हें क्या हो गया दादी? ये आज प्यार के लिए कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? लगता है इसे कोई लड़की पसंद आ गई है। हसीनी। हाँ? कल शाम को मैंने कहा था ना कि तुमसे कुछ कहना है। कहो। तुम पीछे मत मुड़ना, क्योंकि तुम्हारी आंखों में देखूंगा तो जो कहना चाहता हूँ वो कह नहीं पाऊंगा। मैंने कभी भी किसी लड़की से प्यार नहीं किया और किसी को भी पसंद नहीं किया, और मेरे विचार लड़कियों के प्रति कभी अच्छे नहीं थे। ऐसे में पहली बार मेरी दुनिया में एक लड़की आ गई, वो तुम ही हो। तुम्हारे साथ मिलकर घूमना, मिलकर हंसना, इस वजह से मुझमें नई फीलिंग्स पैदा हुई हैं। इतना ही नहीं, फर्स्ट टाइम पब में आपका किस, उस पल में ही मुझे आपसे प्यार हो गया मैडम। पब में जो किस किया उसकी वजह से प्यार हुआ, या फिर थिएटर में जो किस किया था उसकी वजह से? थिएटर का किस, वो सब तो मैंने नहीं किया था। मेरे कुछ कहे बिना ही किस वाली बात सच नहीं है, ये कहने पर ही मैं समझ गई थी वो कितना सच है। यही वजह है कि मैं किसी भी मर्द पर भरोसा नहीं करती। गुरुजी, गुरुजी, हसीनी, हसीनी प्लीज बस एक बार मेरी बात सुन लो। अब तुम्हारे कहने के लिए या मेरे सुनने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, जस्ट गेट आउट। अरे हसीनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे पता है तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, प्लीज मुझे समझो, प्लीज हसीनी, आई लव यू। कैसा लबे, तेरा कैरेक्टर क्या है मैं पहले से जानता हूँ, अब हसीनी को भी पता चल गया है। तुझे क्या लगता है कि आंखों पर चश्मा लगाने से लोग तुझे शरीफ समझेंगे? ऐसी बात नहीं सर। अपनी कहानी किसी और को जाके बता, मुझे नहीं, चल भाग। हसीनी, अरे मेरी बात तो सुनो। चल भाग, मुझे समझने की कोशिश करो प्लीज हसीनी, प्लीज। अरे सिद्धू, अरे निकालो इसे, कम से कम मेरी बात तो सुनिए सर। मेरी बात कौन सुनेगा, चल बात क्या सिद्धू? अरे सिद्धू क्या हुआ? सिद्धू सुन, बात क्या यार? सिद्धू सिद्धू सुनो, तेरे जैसे थर्ड ग्रेड लोग गेट के बाहर ही होने चाहिए, जिन्हें अपनी औकात याद नहीं रहती। हम तुझे सिर्फ ऑफिस से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि तेरी बॉस की लाइफ से भी। गेट आउट, ले जाओ इसे। चलो सर, गेट बैक टू वर्क। गुरुजी, मेरे यहां तो मुझे ही मरवा दिया, आ रहा हूं मैं। मेरे हाथों से आज तुमने मुझे ही मारा। ओए! इस तरह शुरू हुई ये प्रेम कहानी खत्म हो जाएगी या एक नया मोड़ लेगी, ये तो सिर्फ गुरुजी ही बता सकते हैं। ए बुड्ढे, मेरी जिंदगी में हलचल मचाकर यहां पर शांति से तपस्या कर रहे हो?
मैंने कहा था ना, एक दिन तू मेरे पास वापस आएगा। प्रेम का एहसास होने के बाद समझ में आया स्त्री की अहमियत। गुरुजी, कृपा करके इस श्राप को हटा दीजिए गुरुजी। तुम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम दिख रहा है मुझे, पर एक दूसरे का अहंकार बीच में दिख रहा है। मैं अपने श्राप को हटा सकता हूँ, पर तुम्हारे अंदर के प्यार को? प्यार? अब कैसा प्यार गुरुजी? वो कब का खत्म हो गया है? वो मुझसे प्यार करती है इस बात की उम्मीद भी चली गई। अब से मेरी लाइफ में ये प्यार शादी नाम के अक्षरों के लिए जगह ही नहीं बची। गुरुजी, 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 मैं ऐसे ही रह जाऊंगा गुरुजी, मैं मेरी तरह ही रहूंगा। मुझे लड़कियां, प्यार, शादी, ये सब कुछ भी नहीं चाहिए गुरुजी। मैं हमेशा लड़कियों से नफरत करता रहूंगा। श्राप हटाइए वरना मैं इसमें कूद के मर जाऊंगा। देखो बेटा, तुम्हें लड़कियों को समझने के लिए मैंने श्राप दिया था, ना कि अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए। अब तुझे मैं श्राप से मुक्त करता हूं। बेटा, आज मैं अमरनाथ की यात्रा पर जा रहा हूं। 40 दिनों के बाद मैं तुम्हें फिर मिलूंगा। शुभम भवतु। ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? बापरे, ये गुरुजी मुझे वापस मुसीबत में तो नहीं डाल रहे हैं? गुरुजी, मेरी एक इच्छा है, जिंदगी में फिर कभी आपसे मिलने की जरूरत ना पड़े। अगर हो सके तो फिर से मुझे वही श्राप एक बार दे दीजिए। ठीक है बेटा, तथास्तु। सिद्धू, तू कब आया बेटा? ये सब क्या है, बोलो माँ। अरे सिद्धू, तेरे लिए ना बहुत अच्छा रिश्ता आया है। हाँ। ये देख फोटो। देखो देखो। दोबारा लड़की और शादी के बारे में बात करोगी तो मैं मार दूंगा। अरे बाप रे, जाओ यहाँ से। चलिए माजी, चलिए। ये नहीं सुधरने वाला, जाओ यहाँ से। इसकी शादी कभी नहीं होगी। अब सुबह होने पर ये औरतों का टॉर्चर मेरे पास नहीं रहेगा। गुरुजी, आपको, आपकी माया मुझे अब से नहीं चाहिए। ये क्या, मैं कहाँ हूँ? ये कोई नई जगह लग रही है। कहीं मैं रात को किसी स्टार होटल में आ गया क्या? देखने पर ये होटल की तरह नहीं लग रहा है। कहाँ हूँ मैं, क्या है ये? कोई मुझे पहचान भी नहीं रहा है। ये तो रामू की तरह लग रहा है। ये तो रामू ही है। जूस लीजिए मेम साहब। क्या मेम साहब? हे भगवान, अब ये कौन सी नई मुसीबत है? इसकी बॉडी में मैं हूँ तो वहाँ मेरी बॉडी में कौन है? गुरुजी, फिर से मुझे मुसीबत में डाल दिया। I can't see anything. These are not my specs. Huh? Where the hell am I? कहीं मुझे किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया? हाँ? कहाँ पर हूँ मैं? Huh?
Okay, let me check. इसका मोबाइल पता नहीं कहां पर है, ये रहा, मेरा ही नंबर डायल करना पड़ेगा ना। हे भगवान, सिद्धू, मैडम, सिद्धू, व्हाट द हेल यू डिड टू मी? तुम्हारी आत्मा मुझ में और मेरी आत्मा तुम में, ये क्या कोई ब्लैक मैजिक है? बताओ। ना मैंने कुछ किया और ना ही करवाया, वो हुआ यूं कि I am going to kill you right now. You better tell me the truth. You bloody. देखिए मैडम, अगर फोन पर बताऊंगा तो आप समझेंगे नहीं। तो फिर अभी इधर आओ अर्जेंटली। नहीं नहीं, अगर मैं वहाँ आया या आप यहाँ आए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक काम करते हैं, ऑफिस में मिलते हैं। क्या हमारे ऑफिस में मिलेंगे? हाँ, आपके ऑफिस में मिलते हैं। फाइन, 10 मिनट में ऑफिस में पहुँचो, वरना तुम्हारी खैर नहीं आज मैडम। और इस तरह इन दोनों के प्यार होने की वजह गुरुजी इनके प्यार के सफल होने की वजह भी बनना चाहते थे, इसलिए सिद्धू के शरीर में हासनी और हासनी के शरीर में सिद्धू की आत्माएं बदलती। देखते हैं इनकी प्रेम कहानी अब क्या मोड़ लेती है। बॉस आकर अब पता नहीं कौन सा बखेड़ा खड़ा करेंगी, सोच के ही डर लग रहा है। हे भगवान, सिद्धू कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हें मना किया था ना ऑफिस में आने के लिए, चलो। मना किया था ना तुम्हें, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। गुरुजी, लता है वो यहाँ आ गई है, आज तुम मरा सिद्धू। You? ये क्या है? कोई ब्लैक मैजिक है? तुम्हारी बॉडी में मैं, मेरी बॉडी में तुम? कैसे? What's happening? I want to know. Please, please, please. गुस्सा मत करिए। जो हुआ वो सब बता दो। Please, आइए, आइए, बैठिए ना। Please relax हो जाइए। Relax होकर बैठिए। मैं सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। Please relax. क्या? तुम्हारी बॉडी में रिलैक्स हो जाऊँ? मैं कितनी फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ तुम जानते हो? I want to know everything right now. Tell me. Okay, okay. वैसे ये सब की वजह वो गुरुजी है। गुरुजी? Who the hell is गुरुजी? What the hell are you talking? बोलो। हासनी, ये क्या? मैंने तो हाफ पी है, फुल पीने जैसा सब कुछ रिवर्स क्यों लग रहा है? फिर से इसे अंदर क्यों आने दिया? ये कैसा आदमी है, जानते हुए इसे अंदर आने देंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? उसी बारे में बात कर रही हूँ, आप जरा बाहर वेट करेंगे प्लीज। हासनी, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे नाकारों पे भरोसा मत करो। पहले आप बाहर जाएंगे। जाता हूँ। सिद्धू, इस ऑफिस में दोबारा तू कैसे आता है मैं देखता हूँ। देखता हूँ। आइए आइए आइए, बैठिए। ओके, अब बोलो कौन है वो गुरुजी? हमारे सोल बदलने में उनका क्या संबंध है, बताओ। ओके, वैसे मुझे ऑफिस से बाहर निकाल देने के बाद मैं वहाँ क्या? तुमने मुझसे प्यार किया था? सच्चा प्यार तो मैंने तुमसे किया था, यकीन दिलाकर मुझे धोखा देने वाले तुम थे। तुम्हें प्यार का मतलब भी पता है? मुझे पता है, अगर सच में तुम्हें पता होता तो मेरी जिंदगी से तुम ऐसे खेलते नहीं। असल में तुम मेरी जिंदगी में आए ही क्यों? सॉरी हासिनी, बस 40 दिन रुक जाइए। क्या, 40 दिन? हाँ, उसके बाद तुम्हारी बॉडी से ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी से भी हमेशा के लिए चला जाऊंगा। 40 सेकंड्स भी तुम्हारी बॉडी में सह नहीं पा रही हूँ। मुझे पता है, पर अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो गुरुजी अब यहाँ नहीं है, ये हिमालय में चले गए हैं। 40 दिन बाद ही लौटेंगे।
नो 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 प्लीज 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 समझने की कोशिश कीजिए। तुमसे प्यार करना मेरी गलती थी, ये मुझे अभी पता चला। आई विल नेवर फॉरगिव यू, यू आर फिनिश्ड। हासिनी 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 गुरुजी। अरे कह रहे सिद्धू, क्या हुआ? क्या हुआ यार? उस समय तो गेट आउट बोल दिया था, तेरे बिना कहीं कंपनी बंद ना हो जाए इसीलिए तेरा पैर पकड़ कर ले आई क्या? बॉस के बारे में ऐसी बुरी बातें मत बोलो। ओ जरा इसकी बातें सुन। वैसे ये बता, अंदर मैडम के साथ मीटिंग हो रही थी या तुम दोनों की फाइटिंग चल रही थी? शट अप यू सिली गाइस। भाइयों ये चेंज हो गया है, वापस जॉब ज्वाइन करने के बाद ये तो बॉस के गुण गाने लगा है। सिद्धू वो नए प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट्स कहाँ पर हैं? नया प्रोजेक्ट? अरे तूने उस दिन किया तो था यार। ऐसे कैसे भूल गए? देना वापस, देना तेरे टेबल पर भी। बताओ ना जल्दी करना, फाइल देना यार। क्या कर रहा है तू? क्या हो गया तुझे? अरे कहाँ जा रहा है तू? ए सिद्धू, ए सिद्धू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई सुनना, बॉस को तूने अच्छी तरह से मैनेज कर लिया, लाइफ में तुझे फिर से ऑफिस में लेंगे मैंने सोचा ही नहीं था, पर यार तूने सीन को इस तरह से घुमाया कि तू अपनी सीट पे फिर से वापस आ गया। तू यार जीनियस है। आप जाइए यहाँ से, जाइए। मेरे पर गुस्सा हो रहा है इस बॉडी में, और 40 डेज कैसे रहूंगी? सोचकर ही इरिटेट हो रही हूँ मैं। बट इस चीटर को मेरी जिंदगी से जाने वाले उस दिन तक इस बॉडी में एडजस्ट करना ही होगा, पर सबसे पहले इसका स्टाइल बदलना होगा। अरे भाई तू आया है, मुझे लगा कि एनकेजी आ गए। अरे नाचो रे नाचो। शुरू करो और तुम मेरे साथ आओ। मैं आया। अरे भाई आना भाई, मजे करेंगे ना। क्या रे सिद्धू, थोड़ा जल्दी आना चाहिए था ना। ये ड्रेस क्या है, ये डांस क्या है? पूरे ऑफिस स्टाफ को ऑर्केस्ट्रा ट्रूप के रूप में बदल दिया है, सब लोग पागल हो गए हैं। असल में वो बॉस है, ये बात वो भूल गई है क्या? ए सिद्धू, हमारे बॉस को अगर कुछ कहा ना तो ऑफिस के लोगों को बुरा लगेगा। हाँ सिद्धू, बॉस को कुछ मत बोल, वो बहुत बदल चुकी है, सारे रूल्स बदल दिए, पूरा फ्रीडम दे दिया। सही बात है। हमारे साथ लंच करती है, हमारे साथ डांस भी करती है। वो हम सबको एम्प्लॉय की तरह नहीं बल्कि फ्रेंड की तरह ट्रीट कर रही, समझे? तुमने क्या सोचा था? बिना मंदिर के वो एक देवी है। देवी है? हाँ, देवी है। हाँ, और हम सब उनके भक्त हैं। हाँ यार, चलो। क्या हुआ यार, उदास लग रहा है ना? ये सब ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? इन पर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है क्या? अचानक सारे एम्प्लॉइज भक्त बन गए? आई कांट बिलीव दिस। ऐसे खड़ा क्यों है यहाँ पर? बैठ जा। बैठ जाओ। अरे बैठ जा रे। ओके मैडम, बैठ जाता हूँ, बैठ जाता हूँ। तुझसे थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करनी थी। पर्सनल? मुझसे पर्सनल बात करेगी? आखिरकार मेरा भी दिन आ गया, मतलब अच्छे दिन आ गए मेरे। वो अभी आपने कहा कि कुछ पर्सनल बात करनी है ना मेरे से? ठीक है ठीक है, तुझसे एक बात पूछनी है। पूछिए ना मैडम, जो मुझे पता है मैं सब कुछ बताऊंगा। जो तुझे पता है सिर्फ उतना ही नहीं, जो तुझे नहीं पता है वो भी पता करके मुझे बताना होगा। ठीक है ना मैडम, मैं बताऊंगा। ये बता, सिद्धू की फैमिली कैसी है? अरे आप सिद्धू की फैमिली के बारे में पूछ रही हैं? अब मैं क्या बताऊं, बहुत ही अच्छी फैमिली है उनकी। वैसे सिद्धू की माँ डोसा बहुत अच्छा बनाती है ना? अच्छा बनाती है? उनकी तरह डोसा तो कोई और बना ही नहीं सकता है मैडम। भैंस की तरह मेरे घर आके ठूंसना ही तो तेरा काम है। तो फिर कल आते वक्त माँ के हाथों का बना हुआ 4 स्पेशल डोसा लेकर आना, ओके? डोसा तो क्या मैडम, मैं कुछ भी ला सकता हूँ आपके लिए। अब जा सकता है। ठीक है, जाता हूँ मैडम। ए मैडम, ये बात सिद्धू को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है मैडम। अरे मेरे भाई,
कैबिन से निकल के चैम्बर में घुसने का तेरा टाइम आ गया। बॉस ने मुझसे अंदर क्या पूछा तुझको पता है? क्या पूछा? तेरी फैमिली की डिटेल्स पूछी। वो पक्का तेरे प्यार में पागल है। What rubbish is he talking? अरे मेरे शेर, आखिर लड़की को पटा ही लिया तूने, छुपा रुस्तम। फैमिली डिटेल्स पूछा है तो उसका मतलब प्यार में गिर गई है क्या? अबे तेरी माँ के हाथ का डोसा लाने को बोला, कहा कि किसी को बताना मत, तू सुनकर खुश होगा इसलिए तुझको मैंने बताया, तूने मुझे मारा क्यों? Stop this nonsense. फिर से अगर लव और रोमांस कहा तो आई एम गोइंग टू किल यू। चुप कर, बड़ाया इंग्लिश बोलने वाला। तेरी पैदाइश कोई विदेश की नहीं है, बात बात पे इंग्लिश ही बोले जा रहा है बड़ाया। सिद्धू, व्हाट इज दिस? तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में? ऐसे सबके सामने मेरे कैरेक्टर को बुरा बना रहे हो? हासिनी, क्या बात कर रही हो आप? अब मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया? मेरी जिंदगी को डिस्टर्ब कर रहे हो। वैसे अगर तुम्हें तुम्हारी फैमिली के बारे में पता लगाना है तो मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते थे ना। ऐसे सबको चेंबर में बुलाकर इंक्वायरी कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पहले सोचा कि तुम्हें पूछ लूं, पर अगर तुम्हें पूछती तो पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करते। तो इसका मतलब तुम किसी को भी डोसा, इडली, चटनी, सांबार लाने को कह रहे हो? ऑफिस में सबको ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। किसी की इंसल्ट करने की चीप मेंटालिटी नहीं है मेरी। वो तो दिख ही रहा है। वैसे भी मेरे घर में खाना ऑर्डर करोगे तो आधे घंटे में टेबल पर आ ही जाएगा। इस तरह ब्रेकफास्ट और लंच के लिए भीख क्यों मांग रहे हो? ऑर्डर किए हुए खाने में माँ का प्यार नहीं होगा ना? खाने में भी प्यार होता है क्या? हाउ सिली। होता है, वो आपकी समझ में नहीं आएगा। इनफ। तुम्हें मेरी तकलीफ को कैसे समझना चाहिए, तुम्हें मेरे कंट्रोल में कैसे रखना चाहिए, मुझे अच्छी तरह से पता है। देखो मैं क्या करती हूं। हां से नहीं। आज मेरे कैरेक्टर को कैसे बुरा बनाने की सोच रहा है। अरे पकड़ो इसे। हेलो, मुझे जल्द से जल्द शादी करनी है। हाँ? लड़की ढूंढो। लड़की ढूंढो? शादी करेगा क्या? अरे अरे अरे, रख दे, जल्दी से फोन रख दे। अरे क्या हुआ? वो शादी करने के लिए कह रहा है। हाँ? लड़की ढूंढने की बात कर रहा था। सुनिए, इस बार मैं ऐसा रिश्ता लाया हूँ कि आप सबकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। पंडित जी जल्दी दिखाइए ना। दिखाता हूँ, दिखाता हूँ। ये देखिए, देख तो कितनी सुंदर है। बेटा हाँ कर दो ना। ये देखिए। अरे हाँ कर दे। हा? देख कितनी खूबसूरत है। हाँ देखो ना, मुझे पसंद नहीं आई। तो फिर ये देखिए। देख ले, देख ले, बिल्कुल लक्ष्मी जैसी लड़की है। देखना एक बार। देखो ना भैया। चाहो तो आप अपने लिए देख लो। शादी मुझे करनी है क्या? बाकी की फोटोज दिखाइए, चलिए जल्दी से रखिए ना यहाँ पे। ये देखिए, वो वाली लड़की, ये अच्छी है ना? भैया मुझे शर्म आ रही है। ये क्या यार, तूने इस लड़की को शादी के लिए हाँ कैसे बोल दिया? अबे तूने इसकी शक्ल देखी है? अबे मेरी नजरों से देख यार, तेरी नजर पे तो पत्थर पड़ गए। तेरे पाँव पड़ता हूँ यहाँ से चलते। नाम यार, क्या है तुम्हारा? गजलक्ष्मी। नाम की तरह ही भारी भारी हो। नाचना या गाना कुछ आता है तुम्हें? इसमें कोई शक नहीं, मेरी बहन बहुत अच्छा गाती है। हाँ, कौन सा गाना गाती हो बेटा? सोने से पहले गाती हूँ। हाँ? पता था मुझे। वैसे आपको मेरी बहन तो पसंद आ गई ना? क्या बोल रहा है यार ये? अरे पसंद आई इसलिए तो इतनी दूर आए हैं इसे देखने के लिए। अरे वो जल्दी से रिंगटोन बंद करो, वरना नाचना बंद नहीं करेंगे। ये क्या है बेटा, पूरा परिवार ब्रेक डांस करके धरती को हिला रहा है। चुप रहिए पापा, जोर से मत बोलिए। हमारे परिवार की एक छोटी सी कमजोरी है, म्यूजिक सुनते ही हम ऑटोमेटिकली नाचने लगते हैं। गलत मत समझिए। मैयत पे भी नाचते होंगे तब तो। माफ करना, क्या है ना कि हमारे लिए ये सब कुछ नया है ना। घर आओगी तो आदत बदल जाएगी। लड़की को लड़का पसंद आ गया है और लड़के को लड़की पसंद आ गई है, तो हम सब मुहूर्त की बात कर ले। एक मिनट रुकिए, मुझे इनसे कुछ पर्सनल बात करनी है। आइए, पसंद की थी ना? जाइए जी, बहन बात करना चाहती है। क्या करेगी बताने? अबे ओए सिद्धू, तेरा भाई तैयार है, अब देख। सुनिए,
आप जब शर्माती हैं तब बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। आपको मुझ में क्या पसंद आया? आपका वेट एक फूल से भी ज्यादा प्यारी लगती हो। मेरे रिश्ते की बात चल रही थी ना, इसलिए मैंने कुछ वजन कम किया था, वरना पहले मैं 10 किलो और ज्यादा थी। अगर आपको पसंद है तो 10 क्या 20 किलो भारी हो जाओ। आप जितना भारी होगी उतना मैं खुश हो जाऊंगा। सच में? तो फिर शादी कब करेंगे? 1 महीने बाद। पहले प्यार फिर शादी। क्या प्यार? हाय दैया, मुझे शर्म आ रही है। प्यार करूंगी तो शर्म पूरी निकल जाएगी। सच्ची? तो कल से प्यार करना शुरू कर दे, कल लंच पे मिले। लंच? मेरी बॉस नहीं मानेगी। मैं मानूंगी ना। तो फिर कल ऑफिस में आओगी क्या? अब हम चले। शादी ना करने की कसम खाई थी जिस परी ने उसे राजी कर लिया, एक बार उसे मिलना है भाई। जानू, मैं आ गई। जानू? मेरी एंजल। मतलब तुम्हारी होने वाली? बिल्कुल। अरे भाई, ये तो बहुत बड़ा शौक है यार, तू अपने स्कूटर से इतना बड़ा ट्रक कैसे खींचेगा यार? अगर सोचोगे खींच नहीं पाओगे तो सब वजनदार है, लेकिन खींच लूंगा ऐसा सोचो तो सब कुछ लाइट है। कम ऑन डार्लिंग। हेलो मैडम, हैव इट, लीजिए। कांग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेट्स क्यों बोल रहा हूँ, यही सोच रही हो ना? अगर किसी की शादी फिक्स हो जाए तो कॉन्ग्रेट्स ही कहते हैं ना। मतलब मेरी शादी? मेरी परमिशन के बिना डिसीजन लेने वाली आप कौन होती है? मुझे शादी के नाम से ही नफरत है और तुमने मेरी शादी तय कर दी। लड़की को देखेंगे क्या? फोटो भी लाए हो क्या? लड़की ही ले आया हूँ। हे गाजी, रिवेंज इतने भारी साइज में प्लान करोगी, ये मैंने नहीं सोचा था हसीनी, मैं तो मरा। सिट डाउन। बाय द वे, गजलक्ष्मी माय फियांसे। सिद्धू, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। वो हम दोनों देख लेंगे, मेरा जानू मुझे लंच पे लेके जाने वाला है, उसके लिए पहले परमिशन दे दो बस। अगर आप कुछ गलत नहीं समझोगी तो मैं यूं जाके आधे घंटे में आ जाऊंगा। ओके, आधे घंटे में आ जाना। देखिए, प्यार के अक्षर लिखने में, फिर उसे पढ़ने में, फिर परीक्षा देने में वक्त तो लगता है ना। अगर लेट हुआ तो इनसे कुछ कहना नहीं, ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं ऑर्डर है। चलिए ना जानू। देखा, ये 40 डेज मेरी बॉडी में होकर कोई भी फायदा उठाने पर और कोई भी लिमिट क्रॉस करने पर हमारा ये रिश्ता शादी तक पहुंच जाएगा। उतना ही नहीं, फर्स्ट नाइट भी, 40 डेज के बाद वो भी तुम्हारे साथ ही। भगवान के लिए ऐसा मत करो, आप जो कहेंगी मैं करूंगा। दैट्स गुड, आता हूँ आधे घंटे में। बाय। हे हैंडसम, कहाँ से आ रहे हो? पब से या पार्क से? मेरे साथ अफेयर है, इसके बावजूद भी तुम्हारी बॉस ने तुम्हें ऑफिस में रखा, इसका मतलब तुम्हारा लव काफी स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारा लव कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, उसे कैसे वीक करना है और तुम्हें कैसे लॉक करना है, साशा को अच्छी तरह पता है। इज्जत से अपनी बॉस को छोड़ दो वरना। स्टॉप योर बुलशिट। सिद्धू, तुम्हें जो ऑफर दिया था वो अभी तक खुला पड़ा है। यू कैन कॉल मी एनी टाइम, ओके? हे मीनू, व्हाट हैपेंड? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या करोगे आप पता करके? जाकर फिर से उन गुंडों के पैर पकड़ोगे है ना? उस दिन आपने उनका कॉलर पकड़ा होता तो आज ये सब नहीं होता। बैठ जाओ गाड़ी पे। जस्ट गेट ऑन द बाइक एंड शो मी।
अरे बाबा जरा देख, छोकरे ने तो स्टाइल बदल लिया रे। मेरी सिस्टर को किसने छुआ? मैंने छुआ बे। अरे उसने नहीं बे, मैंने छुआ है। मैंने बे। भाई जल्दी आओ, लफड़ा हो गया यहाँ पर। अरे बहन उसको रोको ना, वो कितनी बुरी तरह से सबको मार रहा है, रोको प्लीज बहन उसको रोको। अच्छा तो अब मैं बहन हो गई, अब तुम लोग गए। मेरे भाई को जब गुस्सा आता ना, किसी को छोड़ता नहीं है। चल भागो यहाँ से। इस बार मेरी बहन को छेड़ेगा तो मार के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मार डालूंगा। किसी को मारने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। कोई भी भाई अपनी बहन को टच करने वाले के बैकग्राउंड के बारे में नहीं सोचता। ए, लड़की को टच भी करेंगे, मूड हुआ तो चुम्मा भी लेंगे, ज्यादा मन हुआ तो कहीं और ले जाएंगे उसे। क्या कर लेगा तू हमारा बोल? अरे भाई क्या हुआ? भाई ठीक हो ना भाई? अरे क्या बोल रहे हो बे? भाई उसने आपको मारा। अरे उस तरफ मत बोल, इस कान में आके बोल। अरे भाई उसने आपको बहुत बुरी तरह से मारा। उसने मुझे मारा तो तुम खड़े होके तमाशा देख रहे हो क्या बेवकूफ? जाके मारो उसको। फुटबॉल में मारते हैं ना, बिल्कुल वैसे भी इसको भी मारो। एक मर्द की बॉडी में रहकर 10 मर्दों को मारने में जो मजा है, 100 सैंडबैग्स को मारने पर भी नहीं मिलेगा। चल दिखा दे। जैकेट ला। हाँ ये लो, ये लो भाई, ये लो, ये लो आपके जैकेट। हाँ ये लो। भाई आवाज नहीं आ रही है। मुझे भी नहीं आ रही है। निकल ले, पुलिस भी आ गई। भाग। हाँ? क्यों रे? कॉलोनी में दादागिरी कर रहा है? चल पुलिस स्टेशन। हाँ? गलत जगह पे हाथ लगा दिया बे तूने। तू तो गया। घूर क्या रहा है बे? क्यों रे? हेड कांस्टेबल को मारेगा तो? बहुत अकड़ है तेरे में, उतारूंगा सारी अकड़ उतारूंगा तेरी। कल ही मैंने दांत निकलवाए थे सर। तो रुक यार, रुक। सर इसमें मेरे भैया की कोई गलती नहीं है, बहुत दिनों से वो लोग मुझे छेड़ रहे थे और गंदे कमेंट्स पास कर रहे थे। आपने कंप्लेंट्स की पुलिस में? डायरेक्ट जाके गुंडागर्दी शुरू कर दी? तुम्हारा भाई खुद को हीरो समझता है क्या? ऐसे घूर क्या रहा है तू? ज्यादा होशियार बना तो एनकाउंटर कर दूंगा तेरा। अरे मैडम नमस्ते, आप क्यों आई? मुझे बोलते थे मैं आ जाता मैडम। नहीं नहीं, मैं सिद्धू जी के लिए आई हूँ। सिद्धू जी को? यस, मेरे बहुत करीबी हैं ये। करीबी मतलब आपके होने वाले हस्बैंड है क्या मैडम? नहीं नहीं, इतने करीब नहीं है। सुनिए इन्हें बेल पेपर्स दिखाइए। उसकी क्या जरूरत है मैडम, आप एनके साहब की बेटी हैं। आप फोन करती तो भी मैं उसे छोड़ देता। अरे सर को बाहर निकालो। अरे ये सब छोड़ो यार। मैडम सर ने गुस्से में आकर हमारे कांस्टेबल को थप्पड़ मार दिया, बेचारे को बहुत बुरा लगा। सर से बोलो ना सॉरी बोल दे एक बार। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ। आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? मैं कांस्टेबल को मना लूंगा, मैडम रहने दीजिए। सर अरे तुम रुको यार, पढ़े लोगों से पंगा लोगे तो नौकरी चली जाएगी। मैडम आप जाइए ना। okay. जाइए ना। थैंक्स मैडम। ए रो मत मीनू, मैं हूं ना। ओके चलो बाय। थैंक यू।
मेरी बहन को बचाने के लिए इतना रिस्क लिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। ओके, पर फोन पे क्या कहा था मैंने? लॉयर को भेजने के लिए कहा तो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में आ जाओगे? एनके की बेटी पुलिस स्टेशन में आई है, पता चला तो मीडिया क्या लिखेगी जानते हो? कम ऑन। सॉरी मैडम, मेरी बहन के साथ पता नहीं क्या हुआ, इसी टेंशन में यहाँ आ गया। ओके, फिर से ऐसा मत करना। चलो मीनू। माँ जी, ये अभी तक नहीं आई, बहुत देर हो गई है, पहले कभी इतना लेट नहीं आई, कम से कम एक फोन तो करना चाहिए था इसे। अरे आ रही होगी, किसी फ्रेंड के घर चली गई होगी। क्या पता। सावित्री फिक्र मत करो, देखो वो लोग आ गए। आ गए क्या? कहाँ गई थी तुम? तुम्हारी माँ कितनी चिंता कर रही थी। कहाँ गई थी, कम से कम एक फोन तो करना चाहिए था। अरे तुझे पता है मुझे कितनी फिक्र हो रही थी। हाँ क्या रे, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। दिखा ये चोट कैसी। माँ बैठ 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 जा। ये घाव कैसे हुआ? क्या हुआ बता ना। रुक 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 रुक, क्या है वहाँ ऐसे बुत की तरह क्या खड़ी है, कुछ तो बता क्या हुआ। दादी वो मैं जब कॉलेज से आ रही थी। मेनू तुम अंदर जाओ प्लीज। तुम्हारे शरीर पे कितना घाव लगा है। कुछ नहीं हुआ है, छोटा सा घाव है दादी माँ। दिखा तो, कितना कितना खून बह रहा है। भगवान। माँ तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या हुआ, क्या हुआ तेरे साथ बेटा? अरे मुझे बताना क्या हुआ, ये चोट कैसे लगी तुझे? माँ फिक्र मत करो माँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। तुम हमेशा झगड़े से दूर रहते थे, फिर आजकल इतना बदल कैसे गए हो? नमस्ते दादी जी। कौन हो तुम बेटी, सीधे स्वर्ग से आई हुई महालक्ष्मी जैसी लग रही हो, कहीं और जाना था, गलती से यहाँ आ गई क्या? दादी जी सिद्धू है क्या? सिद्धू कौन है बेटा? अरे दादी लगता है मुझे जैगवार से उतरते हुए देखकर इनका दिमाग खराब हो गया है। आपका पोता सिद्धू दादी। हाँ याद आ गया, मेरा ही पोता है, मेरा ही पोता है। आप अंदर आ जाओ, आ जाओ। हाँ लो पानी पियो बेटी। थैंक यू आंटी। मैं खाने को कुछ लाती हूं। हमारे पोते के लिए तुम इतनी दूर आई हो, मतलब कि सिद्धू तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है। कितना भी पसंद हो उससे क्या फायदा दादी, उसकी शादी तो फिक्स हो गई। अरे होने तो फिक्स, तुम हाँ तो बोलो। लड़की बहुत तेज मिली है। आप क्या कह रहे? अरे ऐसे क्या बात कर रहा है, तेरी बॉस तुझे ढूंढते हुए यहाँ आई है, मतलब ये तुझे कितना पसंद करती होगी। रहने दीजिए ना दादी। चलो बेटी डोसा खाओ। डोसा डोसा। माँ कंघे कहाँ पर है? राइट साइड कबर्ड। हमारे घर पर भी सेम प्लेस। आप यहाँ कैसी हैं आप? हाय मीनू, मैं अभी आती हूँ। सिद्धू को उसकी माँ के हाथ का डोसा बहुत पसंद है, पता नहीं आजकल क्यों पिज्जा बर्गर फ्राइज ये सब खा के खुद को बर्बाद कर रहा है। उन्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, आइए चलते हैं। अरे 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 रुक, अच्छे से खाने तो दे, अच्छे से खाने तो दे, बाहर जाके खा ले। अरे इसका क्या करे समझ नहीं आता, क्या कर रहा है? क्या कहा, तुम मुझे पसंद हो? तुम्हारे लिए हमेशा मेरी एक ही फीलिंग है, आई हेट यू। बट आई लव यू। हाउ डेयर यू, मेरी परमिशन के बिना मेरे घर पे आते हो, ये ठीक नहीं है। देखा जाए तो ये मेरा घर है। ओके फाइन, गो टू हेल। ए मेरी बात तो सुनो। यू क्या प्लीज।
रोज रोज इतनी मेहनत क्यों करती है मैडम? मुझे सिखा देंगी तो मैं साइन खुद ही कर लूंगा। और एक्टिंग बंद करो वरना ये पेन तुम्हारे अंदर घुसा दूंगी। अगर ऐसा करना होगा तो तुम्हें खुद के अंदर ही घुसना पड़ेगा। बस उसी एक एडवांटेज से तुम बच गए हो। गुरुजी बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है आपने। आप मुझे पसंद नहीं करती फिर भी सुबह उठते ही आपको मेरा चेहरा देखना पड़ता है। मुझे फ्रेश करवाना पड़ता है, ब्रेकफास्ट करवाना पड़ता है, ऑफिस में मेरा सारा काम। रुको, और कितने दिन चलेगा ये सब नाटक? हासिनी ये चेक, इसको 24 घंटे तुम्हारे चैम्बर में क्या काम रहता है? तुम्हें क्या काम है, बात क्या है, क्या चाहिए? इस चेक पे साइन चाहिए। 5 लाख्स? हाँ 5 लाख्स। थोड़ा इंतजार करो, बाद में साइन करके भिजवा देती हूँ। मुझे अभी चाहिए। उन्होंने कहा ना बाद में भिजवा देंगे। ओए तू मुंह बंद कर, तुम साइन करो। अभी पॉसिबल नहीं है, आई एम बिजी नाउ। ओहो बहुत बिजी हो, इसके साथ टाइम पास में बिजी हो ना। शट अप एंड गेट आउट। मुझे, अरे ये 2 कौड़ी का आदमी मुझे गेट आउट बोल रहा है और तुम खामोश हो? नहीं 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 नहीं, तुझसे नहीं, हम दोनों को जिसने पैदा किया उससे बात करूंगा मैं। सिर्फ 5 लाख नहीं, जायदाद में अपने हिस्से की मांग करूंगा मैं। ओके तुझे देखता हूं मैं। ये सब क्या है, आपने उसे गेट आउट क्यों कह दिया? ओह गॉड, अब घर जाकर तुम्हारे पिताजी से पता नहीं कितना झगड़ा करेगा। डैडी मैंने कुछ बनाया है, ये देखिए गुलाब जामुन। बाहर में गया तेरा गुलाब जामुन? ये क्या कर रहे हो तुम, बच्ची पर गुस्सा कर रहे हो? चख लेते तो क्या हो जाता है। हाँ हाथ फैला के भीख मांग लूं, पहले ही तुम्हारी बेटी के सामने भीख मांग रहा हूँ, अब अपनी बेटी से भी भीख मांगू? छोटे से चेक पर साइन करने के लिए 100 बार उसके चैम्बर में चक्कर काटने पड़ते हैं। मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इनसे पूछो, जब तक हम बाहर नहीं जाएंगे ना हमारी अहमियत पता नहीं चलेगी। ऐसी बातें मत कीजिए साहब, का आपके अलावा भला कौन है? हेलो, मेरे अलावा उनका हर कोई है, तू चुप रह। तुम्हें चेक ही चाहिए ना, अभी देती हूँ। तेरी दया की भीख मुझे नहीं चाहिए, जायदाद में हिस्सा चाहिए। देखो पेरेंट्स के जिंदा रहते बच्चे जब जायदाद में हिस्सा मांगते हैं तब उन्हें कितना बुरा लगता होगा, कभी सोचा है तुमने? उस लफंगे के साथ घूमते समय घर की इज्जत याद नहीं आती है तुम्हें? बस बहुत हुआ, मैंने तुम लोगों को लाड़ प्यार से पाल कर गलती की, मेरे जिंदा रहते जायदाद नहीं बटेगा। तो फिर मर जाओ। अपने पिताजी के बारे में कोई ऐसी अनाप शराब बातें कहता है क्या, शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म की बात तुम तो मत ही करो, अच्छा नहीं लगता तुम्हारे मुँह से। छी, इस घर में आना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, सबके सब मर जाओ कहीं जाकर। सुनिए तू आजा, चल भाभी मेरी बात तो सुनिए, रुकिए हम भी आ रहे हैं। छोड़ो मुझे। डैडी 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 दरवाजा खोलिए, डैडी दरवाजा खोलिए, डैडी डैडी ओपन द डोर, डैडी प्लीज, डैडी क्या कर रहे हैं? छोड़ दो मुझे। अच्छी तरह से आ रहे, अगर मेरे मरने से तुम दोनों खुश रह सकते हो तो ठीक है, लेट मी डाई बेटी, लेट मी डाई। मौत से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता डैडी, एक नई समस्या क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे समस्या मेरी जिंदगी ही है, जिसके खत्म होने पर ही समस्या का समाधान होगा। देखिए डैडी, सोच के लिए गए डिसीजन शायद कभी कभी गलत हो जाए, पर जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन हमेशा गलत होते हैं। भैया को बदलने की जिम्मेदारी मेरी है, मुझ पर भरोसा कीजिए मुझे डैडी प्लीज। घोर क्या रहा है, खाएगा तू? अच्छी ए, अरे उस अमरूद को खाने से पहले कम से कम एक बार धो तो लिया होता भाई, कितना गंदा आदमी है यार तू। अबे स्वच्छता अभियान, ये लोग धोते हैं ना, हमें क्या करना है यार? चाचा जरा एक बात बताओ, ये सब धोकर रखते हैं क्या? ये क्या कह रहे हो बेटा, हमें पता नहीं कहाँ कहाँ घूमना पड़ता है, ऐसे रोज धोएंगे तो कैसे काम चलेगा? खाने से पहले तुम लोगों को ही धो लेना चाहिए। मतलब धोया नहीं तुमने? सुन लिया बे? हाँ सुन लिया। तो अब तक गया क्यों नहीं? ऑलरेडी ऑन द वे हूँ यार।
60 रुपए किलो। 60 रुपए? हाँ 60 रुपए किलो। हाँ ले लो, ताजा है। कितना? 20 रुपए का एक है। नहीं चाहिए। हाँ 20 का एक, 1 किलो 60 के। हाँ ले लो। अबे धोए बिना खाता ही क्यों है तू? बेवजह में बीमारी मोल लेता है। लेकिन तू तो मेरी बात मानेगा नहीं, चल। आइए सर आइए। क्या हुआ राव जी? सब आपकी राह देख रहे हैं सर। आप हमारी कंपनी के नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं। मैं और सीईओ? जी हाँ सर। किसने कहा? हासिनी जी ने कहा, वो अंदर ही है। हासिनी ने? हाँ। इम्पॉसिबल। जरा हटिए भैया। क्या हुआ भैया, यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हैं भैया? हाँ भैया आइए ना बैठिए। नहीं हंसनी, बैठिए ना भैया। आज से इस कंपनी के हेड आप ही हैं। एक मिनट, तुमने मुझे भैया बुलाया? हाँ भैया। इस जन्म में तुम भैया कहोगी सोचा भी नहीं था। सॉरी भैया, मेरे एटीट्यूड की वजह से आप बहुत परेशान हुए हैं ना। नहीं हंसनी, मैंने ही अपनी गलत आदतों से तुम सबको दुख पहुंचाया है। आप अगर बदलेंगे तो सबसे पहले खुश होने वाले इंसान डैडी होंगे। हाँ, पापा को एक पिता की तरह इज्जत जिंदगी में कभी नहीं दी मैंने। इतने साल तक आपने जो उन्हें इज्जत दी है, सीईओ के तौर पर इस कंपनी को भी देंगे ना भैया? जरूर हासनी, मुझे लगता था कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन इतना प्यार करती हो मुझे आज पता चला। मैं इतने दिनों से आपसे नफरत करती थी, उसकी वजह आपकी आदतें थी। आप बिल्कुल नहीं भैया। इस कंपनी का सीईओ बनने लायक मैं नहीं हूँ, तुम ही ठीक हो। लगता है सिस्टर सेंटीमेंट्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है। उतना ही नहीं, कोई भी भाई अगर बहन ने प्यार से मांगा तो जान भी दे देगा। चलता हूं मैं। थैंक यू भैया। इसके अंदर बदलाव देख रहा हूं तो हमारे एनके जी के अच्छे दिन आ गए लगता है। शुक्र है भगवान का। हे भगवान, मैं 1 महीने के बाद अपनी कार निकाल रहा हूँ। टायर को कुछ ना हो, छत को कुछ ना हो, बचा लेना भगवान। जाबे। एक ये है, कभी टाइम पर नहीं आती। अरे आओ ना, क्या कर रही हो अंदर? सावित्री, अरे ये ऐसे कैसे गिर गई? हे भगवान, अरे क्या हुआ इसे? देख जरा जल्दी, हॉस्पिटल लेके जा इसको बेटा। चल जल्दी कर, उठा इसे। इसे कुछ नहीं होना चाहिए, सिद्धू इसका ध्यान रखना। सिद्धू, सिद्धू, अरे मेरी कार! अरे अरे हमारी कार! अरे तुझे हमारी कार निकल जा रही है! रुक जा! अरे सिद्धू रुक जा! माँ, माँ कुछ नहीं होगा, मैं हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ तुम्हें। हाँ सिद्धू, माँ को हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ सिद्धू, हार्ट अटैक।
अब कैसी है ये? अगर इसे कुछ हो गया तो हम सब अनाथ हो जाएंगे। Nothing to worry. करेक्ट टाइम पे उन्हें लेकर आए। अगर 5 मिनट भी लेट हो जाता तो उनके बचने के चांसेस नहीं होते। आप बहुत लकी हो। ओके, टेक केयर ऑफ। शुक्रिया। वो तो वक्त पर सिद्धू घर पर था, इसलिए मेरी बहू बच गई। उसे तो ड्राइविंग भी नहीं आती, कैसे कार चलाकर यहाँ लेकर आया भगवान ही जाने। हासिनी, सिद्धू। हासिनी, मैं तुम्हें किस तरह थैंक्स कहूँ समझ नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि मेरी माँ मेरी जिंदगी है। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मेरी भी जान चली जाती। थैंक्स हासिनी, पता है तुमने सिर्फ मेरी माँ की जिंदगी नहीं बचाई, मेरी जिंदगी भी बचाई है। क्या बच्चों की तरह बोल रहे हो? तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है सिद्धू, माँ तो सबके लिए माँ ही होती है। मैंने तुम्हारी माँ को बचाया ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, अपनी माँ को बचाया है ऐसा लग रहा है। वो भावना को थैंक्स कहकर प्लीज मत मिटाओ, ये मेरा फर्ज है। It's okay. It's okay, Siddhu. अरे बाप रे, मेरी कार, अबे सिद्धू, मेरी कार की तो वाट लगा दी तूने। अरे क्या किया मेरी कार के साथ तूने? हे भगवान, तेरी ये हालत में नहीं देख पाऊंगा। तूने बर्बाद कर दिया मुझे सिद्धू, मेरी कीमती कार का पोस्टमार्टम कर दिया तूने। अरे बाप रे, अरे ये क्या कर दिया सिद्धू? ए, चलो अंदर चलो ना। ए माय क्यूटीज, ओ माय गॉड, ओ आई मिस्ड यू सो मच। कम। आई रियली मिस्ड यू बोथ। ए, चलो। बाय माय क्यूटीज। अरे ठीक से पकड़ो बेटा। कैच। आ आ आ। दवाई ले लीजिए। थैंक यू बेटी। कैच। डैडी, कल सुबह ठीक 9 बजे मैंने आपके हेल्थ चेकअप के लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया। मैं वहाँ जरूर जाऊँगा। ओके ओके। कैच। मुझे दो। ये लीजिए। दादाजी नहीं पकड़ पाए ना? दादाजी से तो छूट गई। ये लो सिद्धू। कम। आओ ना, देख क्या रहे हो? क्या चल रहा है मैन? गुड सर, थैंक यू। पापा, सिद्धू। अरे रे, गॉड ब्लेस यू। हासनी, जाकर कॉफी। ठीक है भैया। आओ बैठो बेटा। आपकी तबीयत कैसी है? मुझे क्या होगा, एकदम मस्त हूँ। अपने परिवार के होते हुए मुझे क्या होगा, आई एम वेरी हैप्पी। आपको ऐसा देखने पर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। थैंक यू। सिद्धू, जरा सुनो, तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, जरा ऊपर आओ। ओके डैडी, हम अभी आते हैं। हाँ ठीक है बेटा। एनी प्रॉब्लम? वो शाशा ने जो वीडियो निकाला था उसे हासनी को मैंने ही दिखाया था। वो किस तुमने नहीं दिया था, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, किसी भी तरह तुम दोनों को अलग करना चाहता था इसलिए ऐसा किया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अभी जाकर मैं हासनी को सब कुछ बता देता हूँ। हाँ, रुकिए, अगर आपने उसे ये बात बता दी तो उसके लिए मैं अच्छा बन जाऊंगा, पर आप उसकी नजरों में बुरे बन जाओगे, वो मुझे पसंद नहीं होगा, इसलिए यह बात आप किसी को भी मत बताना। ओके? मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा सिद्धू, बेवजह में ऑफिस में मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया था, मुझे माफ कर देना। इट्स ओके, ये बात अब यहीं पर भूल जाते हैं। मैं मेरे मन में कुछ भी नहीं रखूंगा और आप भी मत रखना। ओके, बट आई हैव टू गो। ओके।
क्या हुआ, यहाँ पर क्यों रोक दिया? हे हैंसम, क्या बात है, स्टाइल काफी बदल दिया है अपना मेरे लिए। एक बात कहूं तुमसे, तुम्हें किस करने से पहले मुझे हमेशा तुम पर गुस्सा आता था, लेकिन जब से किस किया है ना, वो गुस्सा प्यार में बदल चुका है। अब भी नहीं समझी? लगता है एक और किस करना ही पड़ेगा। और एक बार अगर सिद्धू के पास आई तो आई एम गोइंग टू किल यू, माइंड इट। यू, धर्मा की बेटी को मारा तुमने? तुम्हारी लाइफ में रिस्क बढ़ गया है, तैयार रहना फेस करने के लिए। सिद्धू, मेरी बॉडी में रहकर तुमने मेरी फैमिली को बदलने का सोचा, तुम्हारे सच्चे प्यार को मैं अब जाकर समझी हूँ। हेलो हासिनी, तुम ऐसे अचानक क्यों चली गई? वो ठीक है, कल 40वां दिन है, पता है ना तुम्हें? अच्छा, ये क्या, 40वां दिन है सुनकर तुम बहुत खुश हो जाओगी, मुझे ऐसा लगा था, पर क्या हो गया तुम्हें? कल ही सबसे पहले हम जाकर गुरुजी से मिलेंगे, ओके? ओके। सिद्धू, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सिद्धू, मैंने तुम्हें साशा की बात को लेकर अपने दिल में बहुत ही गलत बातें सोच ली। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है ना हासिनी। थैंक्स सिद्धू, मुझे समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यू नो, जो मेरे मन में है वो अभी मुझे बताने का मन कर रहा है। तुम्हें पता है मैं भी वही बात के लिए इंतजार कर रही थी। मेरी तरह रात भर प्रैक्टिस करके कहूंगा, ऐसा मत कहना। सिद्धू, कौन है बे जिसने हमें किडनैप किया? हम कहां पर हैं और ये सब क्या हो रहा है? जगह का पता नहीं है, पर प्लान करके किडनैप करने वाली जरूर वो धर्मा की बेटी साशा ही होगी। यस, करेक्ट गेस किया तुमने, तुम्हें किडनैप मैंने ही करवाया है। मैंने बोला था ना। ये क्या, हमें किडनैप करने वाली तुमने ही हो? पहले मैं तुम्हें किडनैप करने वाली थी, पर मुझे ही किसी ने किडनैप कर लिया। कौन हो तुम लोग? आज मेरी शादी है, आज मेरी शादी है, मैं दुल्हन बनूंगी। आज मेरी शादी है, मैं दुल्हन बनूंगी। तुम हो? हाँ मैं हूँ जानू, तुम्हारी गजनी, मुझसे शादी करोगे ना? क्या शादी? नो 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 नो। क्यों, क्या हुआ, शौक लगा क्या? मुझे सब पता था, तुम इससे प्यार करती हो है ना, रोमांस करना चाहती हो, मेरे जानू को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए तुम्हारी आंखों के सामने मैं इनसे शादी करूंगी, तुम देखती रहना। जुग जुग जियो, क्या बात कही है? प्लीज गजी, क्या हुआ वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले हमें यहाँ से एक जगह पर जाना होगा। प्लीज इसे खोलो। मुझे मंगलसूत्र पहनाओगे? पहनाऊंगा, कर भी क्या सकता हूँ। चलो भाइयों, अपने जीजा को तैयार करो। मैं मैनेज करूंगा ना। अरे बहन की शादी है, तुम लोग इतने शांत हो? चलो मिलके जोर से शोर मचाओ। कहाँ पे है तुम्हारा गुरुजी? वाह वाह, चलो चलो चलो। ये क्या हो गया गुरुजी, इस तरह लेटे हुए क्यों?
हमारे गुरुजी अब नहीं रहे, आज सुबह ही वो परलोक सिधार गए। जिंदगी में फिर से आपसे मिलने की जरूरत ना पड़े, ऐसा मुझे फिर से आप श्राप दे दीजिए गुरुजी प्लीज। ठीक है बेटा, तथास्तु। अगर आप जो कह रहे हैं वो सच है तो फिर हमारी समस्या का हल कौन निकालेगा? अरे गुरुजी। रुको बेटी, रुक जाओ, हमारे गुरुजी ने सबका कल्याण ही किया है, तुम्हारी समस्या का भी हल गुरुजी ने निकाला ही होगा, तुम्हें बस सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हासिनी, मेरी बात तो सुनो प्लीज। सब तुम्हारे कारण ही हुआ है, अब जिंदगी भर तुम्हारी बॉडी में मैं और मेरी बॉडी में तुम हो। चीची, मुझे मुझसे ही नफरत हो रही है। आप फिक्र मत कीजिए, जरूर हमें कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। सारे रास्ते बंद होने के बाद और एक रास्ता खुलेगा, इसकी हम उम्मीद कैसे करें? बात वो नहीं है हासिनी, मेरी बात तो सुनो, तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, हमारे सोल्स अगर नहीं बदले तो क्या हुआ, हम शादी कर लेंगे ना? ये नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया, अब कैसी शादी? पर मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, ये सब अनजाने में हो गया है, और अब गुरुजी का इस तरह से। पर एक बात बिल्कुल सच है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ हसनी। तुमने जानबूझ के किया हो या नहीं किया हो, जो होना था वो तो हो ही गया, अब कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी गलतियों के कारण मुझे सजा मिल रही है। I hate you। हसनी, 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 प्लीज, प्लीज, हसनी, I love you। गुरुजी। खुश रहो, खुश रहो। सिद्धू कहाँ है? ऊपर है। थैंक यू। यही हमारे लड़के को ठीक राह पे रख सकती है। भक्त, तुम्हारा श्राप हट गया है, तुम्हारी बॉडी तुम्हें वापस मिल गई है, अब जाकर अपनी डार्लिंग के साथ डुएट गाना गाओ। उठो भक्त, उठो। कितना अच्छा सपना था, सच हुआ होता तो कितना अच्छा होता। जो किया वो काफी है, अब ओवर रिएक्ट मत करो, जल्दी से रेडी हो जाओ ना। मेरी बॉडी मुझे वापस मिल गई, मेरी बॉडी मुझे वापस मिल गई। तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ये कैसे हो गया? जाओ ना, जल्दी से रेडी हो जाओ, जाओ। ओके, मेरी बॉडी मुझे वापस मिल गई। और बाकी सारी चीजें लेकिन आओ सिद्धू, जोड़ी अच्छी लग रही है ना? अरे सिद्धू, तुम बहुत खुश नसीब हो,
देखा जाए तो तुम्हारी लड़की ही खुश नसीब है, हमारे लड़के का नसीब तो बहुत अच्छा है। चलिए मुहूर्त का समय हो गया है, अब थाली एक दूसरे को दे दीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरी ओम मनु पूर्व पूर्व इंद्र पूर्व पिणु रुद्धि सिद्धि श्री गणेश पूर्व त्रिपूर्व भवानी सुनि परमेश्वर। अरे कहां जा रहे हो, क्या हुआ? एक नंबर का गधा है, कल तक शादी से नफरत करता था, अब उसका पल्लू नहीं छोड़ रहा। सिद्धू क्या हुआ है, ये सब कैसे हुआ? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारी आत्मा कैसे बदल गई? आई डोंट नो सिद्धू, कल रात को मैं बहुत देर तक रोई। भले ही मुझे कितना भी एडजस्ट करना पड़े, पर लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ सिद्धू। आखिर में सच्चा प्यार क्या होता है, फैमिली की अहमियत क्या होती है, इन 40 दिनों में तुम्हारी बॉडी में रहकर ही मैंने समझा है। और फाइनली सुबह उठते ही मेरी बॉडी में मैं थी। गुरुजी, आई लव यू। जिस दिन इन दोनों ने एक दूसरे के मन को अच्छी तरह समझकर मर्द और औरत का भेदभाव किए बिना जिंदगी भर मिलकर रहने के लिए सोचेंगे, उसी दिन इनका श्राप अपने आप ही हट जाएगा। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, शुभम कल्याणम अस्तु। क्या हो रहा है, ये भूत मुझे दन दन मार रहे हैं, इनको संभालो। अबे गलत है ये, औरत भूत नहीं होती है, देवी होती है। हमें जन्म देने के लिए वो बहुत दर्द सहती है, हमें प्यार देने के लिए हमारी गलतियों को सहती है। अगर पापा ना हो तो माँ उनकी कमी पूरी करती है, पर जहां माँ नहीं होती वहां पापा कुछ नहीं कर सकते। एक औरत की तरह मर्द कभी प्यार नहीं कर सकता, वो अगर इस धरती पर पैदा ना होती तो प्यार का मतलब समझ में नहीं आता। कोई भी मर्द प्यार करना एक औरत की गोद में ही सीखता है। हम किसी के साथ भी खुशी से हंस सकते हैं, पर दिल खोल के रो सकते हैं उन्हीं की गोद में, और किसी के भी नहीं। तुझे औरत के बारे में पता ही क्या है बे? जब तक औरत बन के पैदा ना हो, कोई भी मर्द एक औरत को पूरी तरह से समझ ही नहीं सकता। वो हमसे प्यार नहीं करती, इसलिए हम उस पर एसिड फेंक रहे हैं, दहेज के लिए उसे बहुत सता रहे हैं, अत्याचार करके उन्हें हम मार रहे हैं, फिर भी हम पर भरोसा करके हमारे साथ ही जीकर वो हमें जीना सिखाती है। हम किसी तरह उनका कर्ज नहीं चुका सकते, कम से कम उसे रिस्पेक्ट तो दे ही सकते हैं। औरत को रिस्पेक्ट देने का मतलब हमें जन्म देने वाली माँ को रिस्पेक्ट देना होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप एक बात याद रखिए, औरत को नफरत से जीतने वाला नहीं, प्यार से जीतने वाला ही असली मर्द होता है। सो ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट टू वुमेन।